secondly is this your first class with me? ओके 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 ठीक है ठीक है. वेलकम यू ऑल. आप लोगों को कितना अर्सा हो गया है नोवा में? कितने पुराने बैच हैं या बिल्कुल नई इंडक्टीज हैं आप लोग? 1 वीक. ओके दैट्स वेरी न्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से वेलकम यू ऑल. वी आर ऑल हेयर टू हेल्प यू. मैं अभी जब जैसी मीटिंग में एंटर हुआ था तो आप लोगों में से कुछ लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन वगैरह की. तो यस आई गेट इट. बड़ा डॉन्टिंग सा टाइम होता है ये और हर चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही होती है. तो एक छोटी छोटी जो चीज़ें हैं तो आप लोग जहन में रख लें कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी है कि आपकी डिग्री कम्प्लीट होनी चाहिए और एज का कोटा आपने देख लेना. जो लोग इस चीज़ के ऊपर फंसे हुए हैं कि ग्रुप्स की क्या सिलेक्शन रखनी है, वो इस चीज़ को सोचना छोड़ दें. ठीक है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी आप क्या ग्रुप सिलेक्शन देखते हैं. जहाँ तक बात है यहाँ के लेक्चर्स की, तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है साथ. ठीक है, हम लोग कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने कलेक्शन बनाई है वो हम साथ में पढ़ेंगे. मैं आप लोगों के साथ कुछ 6-7 सेशन मेरे होंगे. ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना चाहेंगे. बट इवन अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आई एम ऑलवेज है. ठीक है, यू गाइस आर ऑलवेज वेलकम मी टू कॉन्टेक्ट मी. आई विल शेयर विद यू गाइस माई ईमेल एड्रेस. ओके, दिस इज सीम्स लाइक अ काइंड ऑफ अनसर्टेन टाइम, खासतौर पे आप लोग जो बिल्कुल नए हैं. यार इज इट लाइक बिल्कुल अनअंडरस्टैंडेबल है बिकॉज आई नो जो मेरा अपना लैपटॉप है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है. इसका मतलब है कि फिर जिन लोगों को आवाज़ का इशू आ रहा है अपने ज़रा वॉल्यूम ऊंचा कर लें, अपना वॉल्यूम फुल कर लें. ठीक है, ओके ओके ओके. सारे हेडफोन्स कर ले यार, हेडफोन्स के बगैर ना बैठा करो आप लोग. तो कटिंग राइट टू व्हाट वी हैव टू स्टडी, दिस इज वेरी अनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ लेक्चर एंड वेरी इंटरेस्टिंग. माइंड यू ये आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा, जब हमारी आज क्लास ख़त्म होगी तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों को कितनी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं. हम ऑर्गेनाइजेशन इसलिए पढ़ते हैं, इस बात को जहन से निकाल दें कि ये स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट का हिस्सा होता है. ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है. अपने जो क्वेश्चंस हैं वो इस लेक्चर से एसोसिएटेड रखे हैं मैंने. जो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ईमेल के थ्रू आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मैं आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूँगा. हम ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने कलेक्शन एक बनाई है वो इसलिए बनाई है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आप लोगों में से कई लोगों का इंटरनेशनल रिलेशन होगा, आप में से कई लोगों का इंटरनेशनल लॉ होगा. इवन अगर ये दो सब्जेक्ट्स नहीं भी हैं आप लोगों के तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स के पेपर के लिए, पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एसे के लिए. क्योंकि आजकल जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के एसेज के टॉपिक्स आते हैं, दे आर हाईली एनालिटिकल इन नेचर. और जब तक आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अपने आसपास की चीज़ों की, यू विल बी अनएबल, कम्प्लीटली अनएबल टू एक्चुअली यू नो पुट दैट नॉलेज इनटू पर्सपेक्टिव. ठीक है, हम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ गैप्स इन आवर नॉलेज. चाहे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, या पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें, तो बहुत से गैप्स होते हैं. तो हम ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते क्यों हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन, इफ़ द क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू कश्मीर इशू और पैलेस्टाइन इशू, तो हम लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमने आज पढ़नी है, वो कैसे काम करती है और उसके क्या फेलियर्स है जिसकी वजह से ये फेल हो रहा है. हमारा कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा, हमारा पैलेस्टाइन इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा. इस तरह जब अगर हम बात करें कि मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं दुनिया में,
उनकी सॉलिडैरिटी की अगर बात करें या फेलियर इन अचीविंग द सॉलिडैरिटी, तो जब तक आपको ये नहीं समझ आएगी कि OIC कैसे काम करती है, यू वोंट बी एबल टू एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड इट आपकी प्रॉब्लम का। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप की बात करते हैं या चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि SCO एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे काम करती है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं, तो आपको IMF की समझ आनी चाहिए। तो हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे कि IMF का प्रोग्राम क्या है, IMF हमसे क्या डिमांड करता है, वाई डू वी ऑलवेज फेल इन फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ IMF। हम FATF को एज एन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे और फिर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि FATF जो है उसकी जो रिकमेंडेशन है उसके ऊपर अमल दरामद पाकिस्तान के लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों फ़ायदेमंद। ठीक है, तो इट्स एन इंटरेस्टिंग पूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज दे हेल्प यू अंडरस्टैंड द इश्यूज व्हिच आर गोइंग ऑन अराउंड यू। ठीक है, आपको कश्मीर इशू समझने में मदद मिलेगी, आपको पैलेस्टाइन इशू समझने में मदद मिलेगी। मतलब आप खुद देख लीजिए कि इस दफ़ा जो अभी चल रहा है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का इजलास, उसके अंदर भी पैलेस्टाइन इशू और कश्मीर इशू बार बार उठाया गया। तो हमें ये देखना होगा, हमें ये समझना होगा कि वाई इज़ इट UN जहाँ पे ये इश्यूज उठाए जाते हैं, वाई नॉट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, वाई इज़ यूनाइटेड नेशंस सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलें, तो सबसे जो पहला सवाल है वो ये आता है कि आखिर दुनिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं वो बनाई ही क्यों गई। ठीक है, कि मतलब आज से अगर आप 100 साल पहले चले जाएं तो दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जिस्टेंस नहीं होती थी। तो इट्स अ क्वाइट न्यू आइडिया इन द ग्लोबल हिस्ट्री दैट अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, तो देर आर टू परस्पेक्टिव्स टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाई जाती है तो वो क्यों बनाई जाती है। पहला जो परस्पेक्टिव है उसको रियलिस्ट परस्पेक्टिव कहते हैं, जो दूसरा है उसको लिबरल परस्पेक्टिव कहते हैं। लेकिन इन दोनों परस्पेक्टिव को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा जो दुनिया की हिस्ट्री की है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम लेक्चर को फॉर्मली शुरू करेंगे या शेयर विद यू द स्लाइड्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर वे। आज से अगर हम 400-500 साल पीछे चले जाएं अपनी दुनिया की हिस्ट्री के अंदर, तो दुनिया को क्या चीज़ रूल करती थी। आई विल गेट बैक टू इट मारिया, डोंट वरी, लेट मी जस्ट स्टार्ट इट फॉर्म इट। ठीक है, वी आर स्टार्टिंग इट जस्ट नाउ, आई विल गेट बैक टू द पर्सपेक्टिव दैट आई एम टॉकिंग। आज से 400 या 500 साल हम पीछे चले जाएं, तो दुनिया के ऊपर क्या चीज़ डोमिनेट करती थी। दुनिया के ऊपर किंगडम डोमिनेट किया करती थी, दुनिया के ऊपर एम्पायर्स डोमिनेट किया करती थी। बहुत सी बड़ी बड़ी एम्पायर होती थी, रोमन एम्पायर होती थी एक टाइम पे, फिर ऑटोमन एम्पायर होती थी, देन देयर वाज अ ब्रिटिश मोनार्की। ये सारी चीज़ें, यानी कि आज से 300-400 साल पहले जो दुनिया के अंदर एक कॉमन ज्योग्राफिकल करेंसी थी वो क्या थी, कि एक किंगडम होगी और उस किंगडम जहाँ तक वो एरिया को कंट्रोल कर सकती है वो उसके अंडर होगा। अब आप इस चीज़ को ये सोचें कि ऐसा तो नहीं था कि उस टाइम नेशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी। फॉर एग्जांपल राइट नाउ इट इज़ सो कॉमन फॉर यू गाइस टू से कि फ्रेंच पीपल लिव इन फ्रांस, जर्मन पीपल लिव इन जर्मनी, पाकिस्तानी लिव इन पाकिस्तान, एंड यू नो सीरियंस लिव इन सीरिया। बिकॉज व्हेन वी से फ्रेंच, जर्मन, सीरियंस, वियतनामीज, वी आर रेफरिंग टू व्हाट स्पेसिफिक नेशन, अ स्पेसिफिक ग्रुप विच इज़ इन एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। और हर एक नेशन के पास क्या होती है, एक स्टेट होती है। तो ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये आज से 400-500 साल पहले एग्जिस्ट नहीं किया करता था। पहले क्या होता था कि बहुत सी नेशन जो हैं वो एक ही किंगडम के अंदर बसा करती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब दुनिया को रियलाइजेशन हुई, यानी कि जब वो कंट्रीज थी जिन लोगों को एक रियलाइजेशन आई कि दिस इज़ नॉट सपोज टू बी दिस वे, तो उन लोगों ने अपने कॉलोनियल मास्टर्स के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करना शुरू की। कैन एनीबडी टेल मी कि पहली रेवोल्यूशन किस कंट्री ने अपने के मास्टर्स किया। नो, दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, वेरी गुड शेरोज, इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। USA जब मैंने
आज से कुछ अरसे पहले जब ये चीज़ पढ़ी थी तो मेरे लिए भी एक हैरानगी की बात थी कि आज जो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट सबसे बड़ी पावर है वो कभी किसी की कॉलोनी हुआ करती थी, वो कभी किसी के कंट्रोल के अंदर हुआ करती थी, दैट वॉज यूएसए। तो यूएसए वॉज द फर्स्ट कॉलोनी विच स्टूड अगेंस्ट इट्स टायरेंट, विच स्टूड अगेंस्ट इट्स कॉलोनियल मास्टर्स हु द ब्रिटिश एम्पायर। अब उस रेवोल्यूशन ने दुनिया को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद जो दूसरी बड़ी रेवोल्यूशन आई वो यूरोप के अंदर आई थी इन द नेम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रांस के लोगों ने फिर जो उनके ऊपर जो किंग्स और क्वींस होती थी उनको ओवरथ्रो किया। तो ये जो दो बड़ी रेवोल्यूशंस थी दुनिया को इन्होंने इंस्पायर किया, और आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक होल्ड था किंगडम्स का, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बट इट स्टार्ट्स गेटिंग इरेडिकेटिंग 400 ईयर्स अगो। अब पाकिस्तान की जो रेवोल्यूशन थी वो भी आप कह लें कि उसी की एक कंटिन्यूएशन थी, बिकॉज वी वर ऑल्सो अ कॉलोनी ऑफ अ सर्टन मोनार्की विच वॉज ब्रिटिश मोनार्की। तो क्या हुआ कि किंगडम से फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या बनना शुरू हो गई, नेशंस बनना शुरू हो गई, और नेशंस ने क्या चीज़ डिमांड करना शुरू कर दी कि वी आर अ सेपरेट नेशन, वी हैव टू हैव अ सेपरेट स्टेट। अब जैसे देख पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानियों की जो हमारी जो पाकिस्तान की रेवोल्यूशन है, आज़ादी की जो हमारी तहरीक है, वो तो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी? द आइडिया वॉज दैट वी आर अ सेपरेट नेशन, एंड सिंस वी आर अ सेपरेट नेशन सो वी हैव टू हैव अ सेपरेट स्टेट। तो पूरी दुनिया के अंदर जो एक ये कंटिन्यूएशन हुई रेवोल्यूशंस की, उनकी बेस यही। तो क्या हुआ कि किंगडम से फिर क्या चीज़ कॉमन होना शुरू होगी, स्टेट्स बनना शुरू होगी, और उन स्टेट्स ने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर इटली को फ्रांस से कोई प्रॉब्लम होता था तो इटली इंडिविजुअली फ्रांस से डील करता था, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर उन्होंने जंग भी करनी होती थी तो वो यूनिलैटरली फैसला कर लेते थे कि हमने इस मुल्क के अगेंस्ट जंग करनी है। तो दैट वॉज अगेन अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट विच वॉज सेट बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन। तो फिर अगर हम थोड़ा सा आगे और हिस्ट्री में जाएं, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन तक अगर हम आ जाएं, वर्ल्ड वॉर वन होती है 1914 में, तो उसमें क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने के साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो मकसद है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने शुरू में अभी बात की थी, रियलिस्ट परस्पेक्टिव एंड लिबरलिस्ट परस्पेक्टिव। देखें, अगर आप नज़र दौड़ाएं दुनिया में जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो किन्होंने बनाई है? वो उन कंट्रीज ने बनाई है विच आर रियली रिच एंड विच यूज टू बी द कलोनियल मास्टर्स। ठीक है, तो रियलिस्ट परस्पेक्टिव ये कहता है कि इन कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए बनाई हैं क्योंकि नाउ दे कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल द सर्टन कंट्री। पहले वो क्या करते थे, पहले अगर उनको किसी कंट्री के ऊपर कंट्रोल होना करना होना होता था तो वो उस कंट्री के ऊपर अपनी फोर्सेस भेजते थे और उसके ऊपर कब्जा कर लेते थे। बट एज द टाइम इवॉल्व दोज कंट्रीज रियलाइज दैट वी कॉन्ट डू इट एनी मोर, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट सो नाउ वी शुड मेक ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल दोज स्मॉल नेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। ये है हमारा रियलिस्ट परस्पेक्टिव जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में आप कह लें कि एक्सप्लेनेशन दी जाती है। अब ये एक बड़ी कॉमन सी परसेप्शन है कि IMF वो अमेरिका कंट्रोल करता है या वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स कंट्रोल करती हैं ताकि वो दे एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज ऑफ द पुअर कंट्रीज, अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। ये एक परस्पेक्टिव है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है या यही ठीक है और ये दूसरा वाला तो गलत होगा। जो दूसरा परस्पेक्टिव है जिसका मैंने आपको नाम दिया था वो था लिबरल परस्पेक्टिव। वो ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पर्पस ये था क्योंकि कंट्रीज के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे वो बैठ के आपस में बातचीत कर सकें और अपने मसाइल को बातचीत के थ्रू रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद किसी कंट्री को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद ये है कि मिल बैठ के अपने इश्यूज को एमिकेबली सॉल्व किया जा सके। इज एवरीबडी क्लियर ऑन वट आर दोज रीजन्स जिसके ऊपर ये बनाई गई हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में? ठीक है, वेरी गुड। चले, अब हमने हमारा जो आज का लेक्चर होगा दैट वुड बी
सबसे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस, एंड देन विल स्टडी द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस भी एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती है। आप लोगों में से आई एम प्रीटी श्योर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा इसका नाम सुन रहे होंगे, बट ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। और हमारा इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राइट आफ्टर लीग ऑफ नेशंस वाज डिसइंटीग्रेटेड, यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म। तो वो कौन सी वजूहात थी जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस को डिस्ट्रॉय किया, और क्या आज यूनाइटेड नेशंस वो गलतियाँ अभी भी रिपीट करता है या नहीं, तो ये चीज़ हमने समझनी है। ठीक है, अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। टुडे आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल बिट स्लो ताकि आप लोगों में से जो नए लोग हैं वो अडेप्ट कर सकें इस नॉलेज को। ये जो लेक्चर है इट विल हैव पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द पार्ट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, एंड आई विल ट्राई टू यू नो कन्वे टू यू एज ईजी वे एज पॉसिबल। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि बड़ी कंट्रीज ने ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए बनाई हैं ताकि छोटी कंट्रीज को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अच्छा किसी और का अगर इस चीज के ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे पूछ लें। वो तो हम अभी पढ़ेंगे ना, वही तो हमने पढ़ने हैं कि रीजंस क्या थे। ओके, कैन एनीबॉडी कंफर्म दैट दे कैन सी द स्लाइड्स? ओके, वेरी गुड, चलो लेट्स स्टार्ट। हमने इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है? हमने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो ये कवर करना है कि यूनाइटेड नेशन से पहले जो लीग ऑफ नेशन हुआ करती थी वो क्या ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम समझ सकें कि क्या सक्सेसेस थी उसकी क्या फेलियर। सेकेंडली विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड के वो कौन कौन से इवेंट्स थे विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं। देन विल स्टडी यूनाइटेड नेशंस की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हम डिटेल में जनरल असेंबली की बात करेंगे, ये एक वो इदारा है जिसके बारे में आप नाम सुनते रहते हैं कि जनरल असेंबली एक इदारा होता है। इसी तरह सिक्योरिटी काउंसिल क्या चीज़ होती है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी क्या सक्सेसेस हैं, उसकी क्या फेलियर्स हैं। विल ऑल्सो स्टडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फंक्शंस क्या हैं। विल स्टडी कुलभूषण यादव का जो केस है जिन्होंने आप लोगों को पता होगा, उसको हम मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि कुलभूषण यादव का केस क्या था और अभी वो कहां तक पहुंचा है। देन ओवरऑल विल डिस्कस द यूनाइटेड नेशंस की सक्सेसेस क्या हैं, फेलियर्स क्या हैं, एंड देन द एप्लीकेशन ऑफ वट एवर वी हैव स्टडीड। तो इट्स अ लॉन्ग लेक्चर, वी वॉन्ट बी एबल टू फिनिश बोथ लीग ऑफ नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस इन द सेम लेक्चर, बट लेट्स स्टार्ट। ओके, तो थोड़ी सी हमें यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए कि लीग ऑफ नेशंस किस चीज़ का नाम है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि हिस्ट्री में पहले किंगडम्स हुआ करती थी, एम्पायर्स हुआ करती थी, लेकिन जब वो एम्पायर्स टूटी तो नेशंस बनना शुरू हो गए। कुछ नेशंस बहुत स्ट्रांग थी, कुछ नेशंस बहुत वीक थी। अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें तो जो सबसे ज़्यादा वॉर टॉर्न एरिया था हिस्ट्री में वो कौन सा था? एनीवन, दुनिया में सबसे ज्यादा वॉर के जो इश्यूज हैं वो किस रीजन को फेस करना पड़े? यूरोप, वेरी गुड। ठीक है, तो यूरोप के अंदर कुछ कंट्रीज स्ट्रांग थी, कुछ कंट्रीज वीक थी। ये मैं बात कर रहा हूं उस टाइम की जो एरा आता है 1850s और 1860s। ठीक है, ये वो एरा था जब एक स्पेसिफिक कंट्री ने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू किया, अपनी पावर को गेन करना शुरू किया, अपने साइज को, कंट्री के साइज को बढ़ाना शुरू किया। और एक टाइम आया
कि वो कंट्री इतनी स्ट्रांग हो गई कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए वो कंट्री थ्रेट बन गई, ठीक है। और उस कंट्री का नाम था जर्मनी। जर्मनी ने अपने आप को 1860s-70s में अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, अपने आप को स्ट्रेंथन करना शुरू किया, और वो एक पॉइंट आया कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई कि 1914 में कहा जाता है कि उसकी वजह से वॉर ब्रोक अप इन 1914। तो 1914 के अंदर जो पहली जंग अजीम हुई थी, जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके अंदर दो साइड्स, देयर वर टू साइड्स व्हिच वर फाइटिंग। वो साइड्स कौन कौन सी थी? वर्ल्ड वॉर वन के अंदर एक तरफ था अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, दे वर ऑन वन साइड, एंड ऑन द अदर साइड वी हैड जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। ये दो साइड्स थी, ठीक है। आई एम गोइंग टू रिपीट, ऑन वन साइड वी हैड अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, एंड ऑन द अदर साइड वी हैड वेरी पावरफुल जर्मनी एंड अ ह्यूज ऑटोमन एम्पायर, एंड देर वॉज अनदर एम्पायर जो कि उस टाइम यूरोप में हुआ करती थी, उसका नाम था ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, ठीक है। जंग होती है और अमेरिकन की साइड वो जंग जीत जाते हैं और जर्मन्स की साइड वो ऑफकोर्स वो जंग हार जाते हैं, और जर्मनी को इस वॉर के अंदर और इस वॉर के बाद तबाह, बिल्कुल तबाह कर दिया। देखिए, जब भी एक जंग कंक्लूड होती है ना, तो फॉर्मली एक ट्रीटी साइन की जाती है, और उस ट्रीटी में इन चीज़ों को तय किया जाता है कि ये जंग किसकी वजह से हुई और किसको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो वर्ल्ड वॉर वन के एंड में जो ट्रीटी साइन की गई थी, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साय, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साय क्या की कि उसके अंदर ये कंक्लूड किया गया कि वर्ल्ड वॉर वन जो हुई है उसका ट्रू एक ही कंट्री रिस्पॉन्सिबल है, एंड दैट कंट्री इज जर्मनी। जर्मनी के ऊपर बड़े हैवी फाइन्स लगाए गए आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। जर्मनी की आर्मी को तोड़ दिया गया, जर्मनी की एयरफोर्स को तोड़ दिया गया, जर्मनी की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई और बहुत ज़्यादा डेट का सामना करना पड़ा जर्मनी, ठीक है। बिकॉज कंट्रीज वर लाइक, इन्होंने लिखा हुआ है बिल्कुल ये पहले पॉइंट पे, ट्रीटी ऑफ वर्साय, आयशा, ट्रीटी ऑफ वर्साय इसको प्रनाउंस करते हैं। अच्छा, इसी ट्रीटी के अंदर ये बात भी की गई कि ये जंग इतनी बड़ी जंग इसलिए हुई थी क्योंकि कंट्रीज के पास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है, कोई ऐसी बैठने की जगह नहीं है। मतलब आप उसको ऐसे समझ लें कि एक ऐसा कोई ड्राइंग रूम नहीं है कि जिस ड्राइंग रूम के अंदर सारे मुल्कों के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स आके बैठ सकें और आके बातचीत से अपने मसाइल को हल कर सकें। तो ट्रीटी ऑफ वर्साय के अंदर एक ये प्रपोजल दिया गया कि हमें आने वाले वक्त में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसका क्या काम हो कि जहाँ पे कंट्रीज बैठ के अपने मसाइल को रिजॉल्व कर सकें, ठीक है। और उस ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाया गया तो उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन, ठीक है। ओके, लीग ऑफ नेशन का बनना उस टाइम की दुनिया के लिए एक बहुत, आप कह लें, एक नया आइडिया था। इट वाज अ पॉलिटिकल अवेकनिंग फॉर द होल वर्ल्ड एट दैट टाइम। उसकी वजह यह है कि उस टाइम पे इस चीज़ को नहीं सोचा जाता था कि हमें एज अ कंट्री किसी दूसरी कंट्री के लिए सोचना चाहिए। उस टाइम जर्मनी सिर्फ अपने बारे में सोचता था, फ्रांस सिर्फ अपने बारे में सोचता था, एवरी वन वॉज यू नो दे वर थिंकिंग अबाउट देयर ओन वेस्टर्न इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड। लीग ऑफ नेशंस बनाने से क्या हुआ कि इस आइडिया को प्रपोज किया गया कि हमें एज अ कंट्री एक दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के मामलात को ईजिली रिजॉल्व कर सकें। अगर किसी कंट्री को प्रॉब्लम है तो बजाय इसके कि हम उसको वी रिजॉर्ट टू वॉर, वी शुड निगोशिएट विद दैट। सो ये आप कह लें कि उसका प्रस्पेक्टिव था पूरा लीग ऑफ नेशंस। अच्छा, दुनिया में कोई भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है या इवन कोई भी जो बड़ी कंट्री होती है, उस कंट्री या उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। और हम उन ऑर्गन्स की मदद से क्या करते हैं? हम उन ऑर्गन की मदद से उन कंट्रीज को चलाते हैं। अब जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो चार बड़े ऑर्गन्स हैं जिनको हम कहते हैं स्टेट की मशीनरी है, वो कौन कौन से हैं? वो हमारा एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, एक हमारा एग्जेक्टिव ऑर्गन है,
एक हमारा जुडिशल ऑर्गन है एंड द फोर्थ वन इज आर ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गन. हर ऑर्गन का अपना काम है. कैन यू गाइस टेल मी व्हाट दिस लेजिस्लेटिव ऑर्गन मीन्स, अगर आप में से किसी को पता है तो. What is legislative organ? ठीक है, वेरी गुड. इट्स द पार्लियामेंट. एंड व्हाट विच वन इज द एग्जेक्टिव ऑर्गन? And which one is the judicial organ? ठीक है, चले मैं आपको बता दूं जिन जिन को नहीं पता. जब हम बात करते हैं ना कि ये हमारा पार्लियामेंट्री ऑर्गन है, तो व्हाट वी मीन, वी आर टॉकिंग अबाउट आर नेशनल असेंबली एंड आर सेनेट. मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ. जब हम बात करते हैं अपने एग्जेक्टिव ऑर्गन की, तो व्हाट वी मीन, वी आर ट्राइंग टू से कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है और जो उसकी कैबिनेट, ये होती है हमारी एग्जेक्टिव बॉडी. और जो हमारे जुडिशियल ऑर्गन्स होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से स्टार्ट होते हैं और कमिंग टूवर्ड्स लोअर कोर्ट. एंड देन देयर इज अ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गन जो कि इन चारों, इन तीनों ऑर्गन्स के दरमियान एक ब्रिज की, आप कह लें कि एक रोल प्ले करता है ब्रिज का, खास तौर पे बिटवीन एग्जेक्टिव एंड बिटवीन द पार्लियामेंट्री ऑर्गन. तो जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो भी इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है. हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है जिसको पार्लियामेंट्री असेंबली भी बोलते हैं. इसी तरह एक एग्जेक्टिव काउंसिल होती है और एक हमारा सेक्रेटेरिएट होता है और एक हमारा कोर्ट भी होता है. लीग ऑफ नेशंस का भी एक कोर्ट हुआ करता था जिसका नाम था परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. ठीक है, लेकिन यहाँ वो डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट. तो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी एक कंट्री के तौर पे डिजाइन किया गया ताकि इट कैन एक्ट लाइक वन बिग कंट्री. यस, दे आर द पिलर्स ऑफ स्टेट. यस, दे आर द ऑर्गन्स ऑफ स्टेट विच आर द पिलर्स ऑफ स्टेट. बिल्कुल. लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को इसकी सक्सेसेस से ज्यादा इसके फेलियर्स के तौर पे जाना जाता है. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन उतनी सक्सेसफुल नहीं थी जितना इसको होना चाहिए. तो हम ये थोड़ा सा देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या सक्सेसेस थी और क्या क्या फेलियर्स थे. ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सक्सेसेस, कि लीग ऑफ नेशन ने अपने मकासद पूरे किए या नहीं. लीग ऑफ नेशन को बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि आइंदा के बाद कोई फुल स्केल वॉर नहीं होने थी. माइंड यू, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बनाई गई. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन जब ख़त्म होती है तो उसके दो बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ऑटोमन एम्पायर, जिसको सल्तनत उस्मानिया भी बोलते हैं, वो तोड़ दी जाती है बिकॉज दे वर ऑन द लूजिंग साइड. इसी तरह ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो थी वो भी टूट जाती है, इट डिसइंटीग्रेट्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. जर्मनी के जो कुछ हिस्से थे वो भी तोड़ दिए जाते. तो क्या होता है कि यूरोप के अंदर बहुत सी नई कंट्रीज बन जाती, बिकॉज एज यू ऑल नो कि जब एक एम्पायर टूटती है तो उस एम्पायर के टूटने से बहुत सी नई कंट्रीज बनती हैं. इसी तरह ये भी हुआ कि ऑटोमन एम्पायर जब टूटी एंड जब ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर टूटती तो नई कंट्रीज बनी. और नई कंट्रीज के बीच में जो सबसे कॉमन इशू होता है वो क्या होता है कि उनके दरमियान में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं. ठीक है, एंड दैट्स वेरी कॉमन. अब पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन आज भी इसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स मौजूद हैं. उस टाइम पे यूरोप की जो नई कंट्रीज थी उनके बीच में भी थे. तो लीग ऑफ नेशंस ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया टू रिजॉल्व दोज बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन द कंट्रीज. दैट वाज वन ऑफ द सक्सेस ऑफ लीग ऑफ नेशंस. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई वांट टू कोट हियर वाज, देयर वाज एन एरिया बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस जिसका नाम था सार, SAR. ठीक है, अब ये दोनों क्लेम करती थी कंट्रीज उस सार. SAR was like just, it was just like Kashmir between Pakistan and India. अब League of Nations ने क्या किया, League of Nations ने SAR को अपने कंट्रोल में लिया. 1919 से लेके
1935 तक इन्होंने सार को अपने कंट्रोल में रखा, और 1935 में इन्होंने सार के अंदर रेफरेंडम करवाया और उन लोगों से पूछा कि आप किस कंट्री का हिस्सा बनना चाहते हो। दोज पीपल साइडेड विद जर्मनी, तो सार जर्मनी को दे दिया, ठीक है। तो दैट वॉज वन ऑफ द सक्सेस जो इस ऑर्गेनाइजेशन की है। जो दूसरी बड़ी सक्सेस है इस ऑर्गेनाइजेशन की, एंड इन माई ओपिनियन द बिगेस्ट सक्सेस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, के दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकेम अ ब्लूप्रिंट फॉर द यूनाइटेड नेशंस। क्योंकि आगे जाके जब हम यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशंस के भी मोर और लेस यही एम्स एंड एम्बिशंस थे जो कि लीग ऑफ नेशंस के। ऑफकोर्स यूनाइटेड नेशंस ने उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया, बट लीग ऑफ नेशंस ने क्या दिया, एक आइडिया दिया आगे आने वाली बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस। सो दैट्स ह्यूज सक्सेस फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड लीग ऑफ नेशंस। तीसरी जो एक बड़ी सक्सेस है इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो है जिसको हम कहते हैं मैंडेट सिस्टम, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस मैंडेट सिस्टम? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई तो ऑटोमन एम्पायर को भी तोड़ दिया, एंड आई एम प्रीटी श्योर अब सारे वाकिफ हैं ऑटोमन एम्पायर से, क्योंकि हम पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जब पढ़ते हैं, ये वो दुनिया का एरा था जब पाकिस्तान के यानी कि कॉन्टिनेंट के अंदर एक खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। पाकिस्तान में जौहर ब्रदर्स ने वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की, गांधी ने वो मूवमेंट लीड की, जिन्ना ने वो मूवमेंट अपोज की, ठीक है। तो जब ऑटोमन एम्पायर टूट जाती है तो बहुत सी नई कंट्रीज बनती हैं, बहुत सी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बनती हैं, अफ्रीकन कंट्रीज बनती हैं, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर वाज अ ह्यूज एम्पायर। लेकिन जब वो टूट जाती हैं तो टर्की के अलावा, टर्की वाज अ स्टेबल कंट्री जो उसके बाद बनी, लेकिन जो बाकी कंट्रीज थी, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, इनका कोई हाल नहीं था, लाइक दे कुडंट सस्टेन देमसेल्फ। सो व्हाट लीग ऑफ नेशंस डिड, लीग ऑफ नेशन केम अप विद एन आइडिया, इट दे केम अप विद एन आइडिया कि हमें उस एरिया को फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में डिवाइड कर देना चाहिए, यानी कि वी शुड गिव फ्रांस एंड इंग्लैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू रूल दोज कंट्रीज बट टू हेल्प दोज कंट्रीज एंड स्टैंड ऑन देयर ओन। बहुत सी ऐसी कंट्रीज थी जिनके अंदर फ्रांस ने, खासतौर पर फ्रांस ने और फिर इंग्लैंड ने अपना सक्सेसफुली मैंडेट को पूरा किया। दैट इज़ वन ऑफ द सक्सेस ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लेकिन जब हम इस सक्सेस की बात करते हैं तो इसी मैंडेट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा फेलियर है जो कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा इशू भी है, वो एक मैंडेट सिस्टम का फेलियर भी था। मैंडेट सिस्टम कम्प्लीटली सक्सेस नहीं थी, कुछ जगहों पे उसने सक्सेस हासिल की और कुछ जगहों पे वो फेल भी हो गया। एक ऐसा इशू है मैंडेट सिस्टम का जो आज भी दुनिया फेस करती है। कैन एनीबडी टेल मी व्हिच इशू एम आई रेफरिंग टू? वेरी गुड, इट्स द पैलेस्टाइन इशू। उस टाइम इजराइल एग्जिस्ट नहीं किया करता था, उस टाइम देयर वाज अ कंट्री नेम्ड पैलेस्टाइन, और पैलेस्टाइन वो कंट्री थी जो कि मैंडेट सिस्टम के अंडर आई ब्रिटिश के पास, ठीक है। इट वाज द ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दोज पीपल, बट ब्रिटिश फेल्ड टू डू इट। दुनिया में जितने भी बड़े मसाइल इस टाइम दुनिया जो फेस कर रही है ना कहीं आपको पीछे ब्रिटिश मोनार्की ज़रूर नज़र आएगी, ब्रिटिश एम्पायर ज़रूर है। आप कश्मीर का मसला उठा लें, आप पैलेस्टाइन का मसला उठा लें, इस टाइम पे मिडल ईस्ट के अंदर ये जो सीरिया और इराक और ये जो सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसके पीछे भी इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड प्लेड अ वेरी डर्टी रोल इन टुडेज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। पैलेस्टाइन उनका एक बहुत बड़ा फेलियर, बट देन अगेन वी आर राइट नाउ स्टडिंग द सक्सेसेस ऑफ लीग ऑफ नेशंस। चौथी जो इसकी सक्सेस थी लीग ऑफ नेशंस वो ये थी, यार ये यहूद नसारा वगैरह छोड़ें, इस तरह की बातें हमने नहीं करनी, हमने कंस्ट्रक्टिव बातें करनी, ठीक है, लॉजिकल बात। रिलीजन को छोड़ दें, डू यू थिंक रिलीजन मैटर्स इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिस्टम? डू यू रियली थिंक इट मैटर्स? आई डोंट नीड योर येसेस और नोस, इफ समवन हैज अ पॉइंट, इफ समवन हैज एन आर्गुमेंट, प्लीज मेक इट। Considering the present situation in the world, do you think religion matters?
गिव मी अ रीजन, हू एवर इज आंसरिंग मी गिव मी अ रीजन टू, आई डोंट नीड योर येसेस और नोस। Give me a reason. Give me, like, show me कि आपको पता है, आप एग्जाम्पल से मुझे कोट करते हैं। बकार पैलेस्टाइन इशू हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चलें देखते हैं। देखिए आप आज का इशू देख लें, ठीक है। आजकल जो नई नई एक कह लें कि वॉर वॉर फ्रंट खुला है, बिल्कुल 3-4 दिन पहले, वो किन दो कंट्रीज के बीच में खुला है? Armenia versus Azerbaijan. Can you believe that Iran is opposing Azerbaijan and Iran is supporting Armenia? Azerbaijan is a Shia dominated country. Or Armenia jo hai, it is purely aap keh lein ke Christian country. लेकिन ईरान को इस टाइम अपना इंटरेस्ट जो है वो आर्मेनिया के साथ नजर आता है, तो वो उनके साथ। आप देख लें कि अजरबैजान को कौन कौन सी कंट्री सपोर्ट कर रही है। सबसे जो बड़े इस टाइम जो 3-4 सपोर्टर्स अजरबैजान के सामने आए हैं वो कौन कौन से? वन इज टर्की, सेकेंड वन पाकिस्तान, विच वन इज द थर्ड वन? Which third country is supporting this country, Azerbaijan? Israel. Israel, Turkey, Pakistan. They are on the same pool right now. ठीक है? So religion is important as long as it's protecting our own interest. No, they're not adding fuel to any fire. अर्शिया ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि इट इज दोज पीपल जो कि चीज़ों को बिल्कुल एट द सर्फेस देखते हैं ना, दे डोंट अंडरस्टैंड। बट ये जो आप लोग द गाइज हु आर स्टडिंग हियर राइट नाउ विद मी, यू गाइज हैव टू थिंक डीपली। आप लोगों ने हर चीज़ को ऑब्जेक्टिवली देखा है। आम लोगों की सोच में और आप लोगों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ को बना देना कि जी वो यहूद नसारा हैं तो उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, भाई इसराइल के इंटरेस्ट्स हैं। बिकॉज सिंस ईरान जो है वो आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है, तो इसराइल हैज़ टू गो अगेंस्ट ईरान। इसराइल इज़ नॉट गोइंग टू सपोर्ट द कंट्री विच इज़ बींग सपोर्टेड बाई रशिया एंड ईरान। So it is always whatever plays in their favor, and religion को वो एक tool के तौर पे use किया जाता है, ठीक है। The basic idea or the basic thing that everybody runs after is the economy, ठीक है। Economy को अपनी strong करना, अपने आप कह लें कि geographical अपनी integrity को strong करना, ये सारी countries का interest, ठीक है। तो आपने आज तक पर चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना है। खैर, चौथी जो सक्सेस थी लीग ऑफ नेशंस की, वो ये थी कि इस लीग ऑफ नेशन ने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को नॉर्मलाइज किया, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन? हम जैसे एक बात करते हैं कि कश्मीर का जो इशू है कि कश्मीर की आवाम को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना चाहिए, कश्मीर की आवाम को हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। व्हाट इज इट, व्हाट डज दैट मीन आपके नजर में, इसका मतलब क्या? देखें, इसका मतलब यह है कि एवरी नेशन हैज टू हैव द राइट टू चूज देयर ओन फेट। सना बिल्कुल ठीक आपने बताया कि एवरी नेशन शुड हैव द राइट टू चूज देयर ओन पॉलिटिकल फेट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब ये है कि वो पॉलिटिकल फेट अपनी खुद चूज कर सके। लीग ऑफ नेशंस ने इस चीज को नॉर्मलाइज किया, क्योंकि देखें लीग ऑफ नेशंस जब बनी, ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई, ऑटोमन एम्पायर टूट चुकी थी,
ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर टूट चुकी थी और बहुत सी नई कंट्रीज बनने के करीब, और जब ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर टूटी तो नेशंस ने क्या डिमांड करना शुरू कर दिया कि वी आर अ सेपरेट नेशन, वी शुड हैव अ सेपरेट कंट्री। लीग ऑफ नेशंस ने इस स्टांस को सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि दुनिया में हर कौम के पास, हर नेशन के पास, जो कि एक स्पेसिफिक ग्रुप, एक स्पेसिफिक ट्राइब होता है, उसके पास ये हक हासिल है कि उसके पास अपनी स्टेट होनी चाहिए। ऑटोमन एम्पायर जब टूटी तो देर वर मोर लेस 40 कंट्रीज, 40 कंट्रीज तकरीबन बनी ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर 40 डिफरेंट नेशन बसी हुई थी और वो 40 की 40 जो हैं वो अपनी अलहदा कंट्री डिमांड करती थी, और जब वो टूटी तो उनको मिल गई। तो ये थी हमारी कुछ सक्सेसेस लीग ऑफ नेशंस। अगर किसी को सक्सेसेस में से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। ओके गुड, देन वी विल टॉक अबाउट फेलियर्स व्हिच आर मोर इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन मोर फॉर इट्स फेलियर देन इट्स सक्सेसेस। इसका जो सबसे बड़ा फेलियर था वो ये था कि जिस कंट्री ने या जिस बंदे ने लीग ऑफ नेशंस बनाने का आइडिया दिया वो कंट्री लीग ऑफ नेशंस ज्वाइन नहीं कर सकती, एंड दैट कंट्री वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था मिस्टर वुड्रो विल्सन। ठीक है, वुड्रो विल्सन उस टाइम के प्रेसिडेंट का नाम था, उन्होंने प्रपोज किया था लीग ऑफ नेशंस को बनाने का। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स लीग ऑफ नेशन का पार्ट नहीं बन सका, और वो पार्ट इसलिए नहीं बन सका कि उस टाइम की जो सेनेट थी, प्रेसिडेंट जो होता है वो तो एग्जेक्टिव बॉडी होती है ना अमेरिका में, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सेनेट ने इजाजत नहीं दी प्रेसिडेंट को कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई इजाजत क्यों नहीं दी गई? फातिमा वेरी गुड, सीम्स लाइक के हमारे पास इस ग्रुप में लोग हैं। महमूदा वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। इट वॉज द न्यूट्रलिटी। उस टाइम का अमेरिका आज के अमेरिका से बिल्कुल डिफरेंट था। उस टाइम का अमेरिका ये कहता था कि ना हमें किसी के काम में टांग अड़ानी है और ना हमने किसी और को अपने काम में टांग अड़ानी है। एंड इफ यू बिकम पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन एवरीबडी इज गोइंग टू मेडल इन आवर अफेयर्स एंड वी आर गोइंग टू मेडल इन टू एवरीवन्स अफेयर्स। This was the reason that America wasn't allowed to join the League of Nations. ठीक है, ये बहुत बड़ा फेलियर था। फेलियर इसलिए था क्योंकि उस टाइम की जो सुपर पावर बन के नहीं उभरी थी वो अमेरिका। अगर अमेरिका लीग ऑफ नेशंस में होता तो उसका जरा आप कह लें कि स्ट्रॉन्ग स्टांस था, जितना था उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। दूसरा जो इसका फेलियर था, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस बनाने का मकसद कि हम किसी एक कंट्री को यूनिलैटरली किसी दूसरी कंट्री के ऊपर बगैर किसी वजह के हमला करने की इजाज़त नहीं देते, हम किसी नई जंग को शुरू करने की इजाज़त नहीं देते। दिस वाज़ द मेन पर्पस ऑफ लीग ऑफ नेशंस। लेकिन हमें कई ऐसे इंसिडेंट्स नज़र आते हैं फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टिल इट्स डिसइंटीग्रेशन कि कंट्रीज ने यूनिलैटरली अपनी पॉलिसीज के ऊपर अमल करना। अच्छा, असल बात यह है कि वर्ल्ड वॉर वन के अंदर अमेरिका को आप कह लें कि दे वर फोर्स्ड टू एंटर इनटू वर्ल्ड वॉर वन। अमेरिका डिड वाज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन फ्रॉम द स्टार्ट, दे बिकेम पार्ट वेरी लेटर इन, जब आप कह लें कि जंग को एक साल रह गया। तो उस टाइम क्या अमेरिका ने ये सोचा कि हम इस जंग में मजबूरन जा रहे हैं सो दैट वी कैन एंड ऑल द अदर अपकमिंग वॉर्स, दैट वॉज देयर कॉन्सेप्ट। तो वो अपने आप को क्लेम ये करते थे कि हम न्यूट्रल हैं और हमें इस वॉर के अंदर मजबूरन आना पड़े। ठीक है, फेलियर जब हम बात कर रहे हैं तो इटली एक कंट्री थी उस टाइम की, उसने एबिसिनिया, एक अफ्रीकन कंट्री है जिसको आज आप इथियोपिया के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर अटैक कर दिया।
बट लीग ऑफ नेशंस कुडंट डू एनीथिंग अगेंस्ट इटली। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है कि आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड जैसी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज बैठी हुई, बट दे कुडंट डू एनीथिंग अगेंस्ट इटली। ठीक है, देयर हैंड्स वर टाइड। उसकी वजह ये थी कि अच्छा, अगर वो इटली के अगेंस्ट अगर कुछ करते भी तो क्या करते, शुड दे सेंड देयर फोर्सेज देयर और शुड दे यू नो इम्पोज सैंक्शंस ऑन इटली। देयर वॉज नो सच सिस्टम अंडर लीग ऑफ नेशन। ऐसा कोई तरीका नहीं बनाया गया था कि जिसमें कलेक्टिवली सब एक फैसला करें और कलेक्टिवली जो है वो किसी एक कंट्री के खिलाफ वो खड़े हो सकें। ठीक है, तो इटली का एबिसिनिया के ऊपर जो अटैक था, दैट वॉज अ ह्यूज फेलियर फॉर द लीग ऑफ नेशन। इसी तरह जापान, उस टाइम का जो इम्पीरियलिस्टिक जापान होता था, जापान उस टाइम एक एम्पायर एंड इट वॉन्टेड टू हैव पावर एंड अथॉरिटी एंड टेरिटरी अंडर इट्स आर्म्स एट दैट टाइम। इटली ने सॉरी जापान ने 1931-32 के अंदर चाइना के ऊपर अटैक किया और अगेन लीग ऑफ नेशंस जापान का चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। ठीक है, दे कुडंट डू एनीथिंग अगेंस्ट इट। अगेन दैट्स अ फेलियर। और अगर सबसे बड़े फेलियर्स की बात की जाए तो 1930s की जो पूरी डेकेड है, इट वॉज डोमिनेटेड सिंगल हैंडेडली बाय वन मैन, एंड दैट गाय वॉज एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने सिंगल हैंडेडली 1930s की डेकेड को डोमिनेट किया पूरे यूरोप के अंदर। ठीक है, और उसने क्या किया, अपनी मर्जी के ऊपर जिस कंट्री के ऊपर उसने चाहा उसने अटैक किया और उसने उसके ऊपर अपना रूल को इम्पोज किया। सो ऑल ऑफ देम शोज के लीग ऑफ नेशंस की जो सक्सेसेस हैं, दे मीन नथिंग इन फ्रंट ऑफ द फेलियर्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? यस, एडोल्फ हिटलर। किसी का कोई क्वेश्चन हो फेलियर से या सक्सेसेस से, प्लीज मुझसे पूछना। बिकॉज जापान की जहाँ तक मैं बात करूँ, जापान अटैक्ड ऑन चाइना बट नथिंग कुड हैपन। लीग ऑफ नेशंस कुडंट डू एनीथिंग अगेंस्ट जापान। एडोल्फ हिटलर, ही वॉज चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1930s एंड ही सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड होल ऑफ यूरोप, और लीग ऑफ नेशंस उस बंदे के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। दैट इज ऑल्सो ह्यूज फेलियर। वेल, वी कैन ओनली सबरीना, वी कैन ओनली राइट नाउ मेक स्पेकुलेशंस, बट हु नोज, शायद वर्ल्ड वॉर टू को अवॉइड किया जा सकता। देन आई थिंक इट वॉज 1919 फॉर्मली जो उसका आगाज हुआ था लीग ऑफ नेशंस का, बट आप चेक कर लीजिएगा इसकी डेट। अच्छा, आप लोगों ने ना ये डेट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। उमर कम ऑन यार, ये तो पता होना चाहिए आपको। हिटलर किस मुल्क का रूलर था? जर्मनी। ओके, नाउ विल गो टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने पढ़नी है, कि ये जो हमने फेलियर्स पढ़े हैं इनकी वजह क्या है। जो हमने इतनी पुरानी जो बात शुरू की थी पुरानी किंगडम्स से, वो आप कह लें कि सारी चीज़ जो सारी मैंने कितनी लंबी एक गिरदान सी बांधी थी, वो इसलिए आपको समझाने की कोशिश किया ताकि आप ये समझ सकें कि इस लीग ऑफ नेशंस के फेलियर की वजूहात क्या थी। अनम, आपने क्या क्वेश्चन पूछा, प्लीज मुझे पूछें। ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। अब आप मुझे बताएंगे कि फिर ये क्यों बनाएंगे। देखिए, मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि दुनिया में कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जाती है उसको बनाने के दो मकासद नज़र आते हैं। एक मकसद ये नज़र आता है कि स्ट्रांग कंट्रीज और वीक कंट्रीज को अपने मुट्ठी में रख सकें, कंट्रोल कर सकें।
दूसरा इसका रीज़न ये नज़र आता है कि जो इश्यूज़ थे उनको रिजॉल्व किया जा सके, तो एक कोशिश थी ना कि हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकें। तो ये रीजंस ऑफ फेलियर क्या थे? अच्छा, ये पहले तीन पॉइंट्स आई थिंक मेरे से रिपीट हो गए हैं, तो रीजंस ऑफ फेलियर जहाँ से लिखा हुआ है ना, फोर्थ पॉइंट जो है उससे ऑनवर्ड ज़रा देखिएगा, इसको ज़रा समझने की कोशिश की। लीग ऑफ नेशंस क्यों फेल हुई? इसकी फेल होने की जो पहली वजह है वो ट्रीटी ऑफ वर्साए खुद है। ठीक है, देखिए ट्रीटी ऑफ वर्साए का अगर आप टेक्स्ट पढ़ें, इट इज़ स्टिल अवेलेबल ऑनलाइन, आप इसको सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगा जिसकी ओरिजिनल ट्रीटी थी उसके अंदर क्या क्या बातें की गई थी। ट्रीटी ऑफ वर्साए वॉज टोटली अगेंस्ट वन नेशन, इट वॉज टोटली अगेंस्ट द फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वन सिंगल नेशन एंड वन सिंगल कंट्री, एंड दैट कंट्री वॉज जर्मनी। ठीक है, यानी कि जर्मनी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि वी हैव बीन एम्बेरस्ड बाय दिस ट्रीटी ऑफ वर्साई, ट्रीटी ऑफ वर्साई से हमारी रिस्पेक्ट चली गई, ट्रीटी ऑफ वर्साई से हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई, आर कंट्री वॉज ब्रोकन डाउन इन टू पीसेस, और हमारी आर्मी को तबाह कर दिया गया, हमारी एयरफोर्स को तबाह कर दिया गया, तो पीपल विल रियली एंग्री अबाउट ट्रीटी ऑफ वर्साई। और ट्रीटी ऑफ वर्साए वही ट्रीटी है जिसने बुनियाद रखी लीग ऑफ नेशंस की। तो जब एक लीग की या जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद एक ऐसी ट्रीटी होगी जिसका मकसद एक कंट्री को डिस्ट्रॉय करना, और बाद में वही कंट्री यूरोप की स्ट्रॉन्ग तरीन कंट्री बन के उभरे, तो उस ट्रीटी के साथ क्या होगा, उस लीग के साथ क्या होगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। हिटलर जो उस टाइम पे 1920s में नया नया उभर के सामने आ रहा था जर्मनी की पॉलिटिक्स के अंदर, व्हाट डिड ही से टू द पीपल कि पीपल गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, ही सेड दैट वी द सुपीरियर जर्मन यू नो नेशन वी हैव बीन एम्बैरस्ड बाय दिस ट्रीटी ऑफ वर्साय, सो प्लीज स्टैंड बाय मी, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस ट्रीटी ऑफ वर्साय, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय दोज हु मेड दिस ट्रीटी ऑफ वर्साय इन लीग ऑफ नेशंस, एंड डिस्ट्रॉय ही डिड, ही रीक्ड हैवॉक ऑन होल ऑफ यूरोप। तो अगर लीग ऑफ नेशन की बुनियाद किसी एक कंट्री के अगेंस्ट इतनी बायस्ड ना होती, शायद लीग ऑफ नेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। ये पॉइंट आपको समझ आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया पहला? यानी कि हमें इससे ये समझना चाहिए कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद अगेंस्ट किसी बायसनेस के ऊपर कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगी, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, अब हमें नज़र आता है कि जैसे आजकल की जो माई ऑर्गेनाइजेशन है हमारे रीजन में सार्क, इट्स अ बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट्स बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन इन फेवर ऑफ इंडिया एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज नेवर गोइंग टू वर्क। दूसरा जो रीजन है कि लीग ऑफ नेशंस जब बनाई गई तो जर्मनी यानी कि जिसने डिस्ट्रॉय किया था पूरे के पूरे यूरोप को वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, अच्छा जर्मनी के ऊपर इल्ज़ाम ज़्यादा लगाया गया है, एवरी कंट्री प्लेड इट्स रोल इन वर्ल्ड वॉर वन, एवरी कंट्री प्लेड इट्स पार्ट के जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ। लेकिन जब लीग ऑफ नेशन बनाई गई तो जर्मनी वॉज नॉट इन्वाइटेड टू बी द पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन। अच्छा आप लोग लेट्स से उस टाइम पे होते एंड यू वर द लीडर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, वुड यू हैव इनवाइटेड जर्मनी, एंड इफ येस देन व्हाई, इफ नो देन व्हाई, बिकॉज नॉट इनवाइटिंग देम सीम्स वेरी लॉजिकल कि भाई आपने एक तो हमें इतना मारा, यू डिस्ट्रॉयड आवर होल कॉन्टिनेंट एंड नाउ यू वॉन्ट अस टू इन्वाइट इन आवर क्लब, नो। देखें जो एक एग्रेसर होता है ना, या जो कि एक ओके ठीक है देखें अब मैं आपको बताता हूँ क्यों, व्हेन यू कॉल अ कंट्री एन एग्रेसर, व्हेन यू डोंट गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू हेयर देम आउट, अगर आप उस कंट्री को पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे तो अमन कभी भी नहीं कायम। ठीक है, मतलब यू विल नेवर बी एबल टू मेंटेन पीस
इफ यू आर नॉट गिविंग द सीट ऑन द टेबल टू अ वेरी वैलिड स्टेक होल्डर इन एन इशू. कोई मुझे बता सकता है कि आजकल के जमाने में मैं किस, ये जो मैंने अभी एक सेंटेंस आखिरी बोला है, मैं किस वाक्य को, किस बात को रेफर करना चाह रहा हूं? नो नो नो, थिंक अबाउट इट सना. वेरी गुड, यस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. आई एम टॉकिंग अबाउट तालिबान. तालिबान वर रिजेक्टेड, दे वर इग्नोर्ड, देयर एग्जिस्टेंस वर इग्नोर्ड, देयर लेजिटिमेसी वर इग्नोर्ड. व्हाट हैपेंड? Were they able to solve the Afghan issue? No. It remained unresolved until Taliban got this seat on the table. And look at it now. तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जिस कंट्री को या जिस फैक्शन को या जिस स्टेट को आप कह रहे हैं कि ये एग्रेसर है, उसको सोल्यूशन से बाहर रखना इज गोइंग टू बी काउंटेबल. क्या हमें हिस्ट्री में इस चीज़ की कोई एग्जांपल मिलती है, खास तौर पे यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर इस चीज़ की कोई एग्जांपल मिलती है जिसमें एक एग्रेसर को पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनाया गया? कैन यू गाइस टेल मी, बिफोर वर्ल्ड वॉर वन क्या ऐसा कोई मौका था? अच्छा, ये सवाल सिर्फ उन लोगों के लिए ताकि मुझे थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे कितने वो लोग हैं जो कि वाकई ही यू नो किताबें पढ़ने वाले हैं. सो आई हैव एन आइडिया. Not Holy Land. Again, I'm talking about when a specific country defeated certain country and they were still made part of the solution. 1818 में क्या, 1880 में क्या हुआ था? चले मैं आपको बताता हूँ, छोड़ दो. मैंने आपको क्या बताया कि इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो पहली कंट्री थी जो अपने कॉलोनियल मास्टर्स के ऊपर अगेंस्ट खड़ी हुई वो अमेरिका थी. इन 1776 अमेरिका स्टूड अगेंस्ट इट्स कॉलोनियल मास्टर्स ब्रिटिश मोनार्की एंड दे डिफीटेड देम. और बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया अमेरिकन रेवोल्यूशन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रांस के ऊपर उस टाइम जो होल्ड था वो किसका था? वो किंग्स का था, पर्टिकुलरली किंग लुई द 14. अब फ्रांस की पूरी आवाम बड़ी इंस्पायर हुई अमेरिका से कि भाई इफ अमेरिकन्स कैन गेट रिड ऑफ देयर मास्टर्स व्हाई कांट वी गेट रिड ऑफ दिस मैन. एंड दे डिड. एक सिविल वॉर स्टार्ट होती है पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है और उनकी जो पूरी की पूरी मोनार्की की जो फैमिली थी उसको पकड़ के लिटरली उनकी गर्दनें उड़ा दी थी. ठीक है, देवर मर्डर्ड, उनको गर्दनें काट दी जाती थी. ना वो तो चले गए, अब एक नई किस्म की जंग शुरू होगी फ्रांस के अंदर कि अच्छा वो तो अब चले गए, अब किसके पास रूल होगा? तो हर फैक्शन ने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दी. उस सारी सिविल वॉर के अंदर जो एक बंदा उभर के आया सामने फ्रांस के अंदर, बकार ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि इफ माई वॉइस इज ब्रेकिंग, इट्स नॉट फ्रॉम माई साइड, इट्स फ्रॉम योर साइड बिकॉज नो वन एल्स हैज सेड इट. नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट वॉज अ मिलिट्री जनरल, अ वेरी फेमस वन. ही टुक द रेंज ऑफ द कंट्री. और उस बंदे के, ये मैं बात कर रहा हूँ 1790s की, आई एम टॉकिंग अबाउट 1790s. ठीक है, उस बंदे का क्या एम था? He said that I want to regain the glory of the French, you know, nation. अगर आप किसी लीडर को ये कहते हुए सुने ना कि he wants to regain the glory of their particular state, that guy is bad news. ठीक है, मतलब कि वो, उसके aims अच्छे नहीं हैं. He wants to have a war. Napoleon Bonaparte wanted to have whole Europe under its control. और एक टाइम ऐसा आया कि उसने ऑलमोस्ट, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट, पूरे यूरोप को अपने कंट्रोल में कर लिया. 1792
सिवाय इंग्लैंड के. इंग्लैंड को आज तक कोई नेशन आप कह लें कि नहीं कर सकते. नो बडी कुड ओवरकम इंग्लैंड एंड नो बडी कुड ओवरकम रशिया. नेपोलियन बोनापार्ट से भी ये गलतियाँ हुई. तो 1814 में, यानी कि 1790s में अपनी कैंपेन का आगाज़ करता है. 1790s, 810s थ्रू आउट, और 1814 तक वो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि पूरे के पूरे यूरोप को ऑलमोस्ट उसने अपने एक टाइम पे कंट्रोल कर लिया. 1814 के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर दिया जाता है, उस बंदे को एग्जाइल कर दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है. और उस टाइम की कंट्रीज ये सोचती हैं कि हाउ वाज इट पॉसिबल. आई एम टॉकिंग अबाउट 1814, 1815, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन से ठीक 100 साल पहले. उस टाइम की कंट्रीज ये सोचती हैं कि ऐसा क्यों हुआ था कि एक कंट्री उठी और उसने पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा कर लिया. हाउ वाज इट पॉसिबल, हाउ कैन यू लेट दैट हैपन. सो उस टाइम की जो बड़े कंट्रीज थे 1814, 1815 के यूरोप के, जिनमें शामिल थे रशिया, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, प्रशिया वॉज ऑल्सो अ कंट्री, ठीक है, इन लोगों ने अपना एक इजलास बुलाया और उस इजलास का नाम था कांग्रेस ऑफ वियना. ठीक है, इस चीज़ को आप लिख लीजिए, उसका नाम था कांग्रेस ऑफ वियना. ठीक है, प्लीज समबडी टाइप इट ऑन द चैट सो दैट एवरीबडी कैन रीड इट. कांग्रेस ऑफ वियना बुलाएगी, किसने बुलाई, जो उस टाइम की बड़ी कंट्रीज थी. और ये वो कंट्रीज थी जिनकी बड़ी शदीद पिटाई हुई थी अभी थोड़े ही अरसे पहले किसके हाथों, फ्रांस के हाथों, थ्रू नेपोलियन बोनापार्ट. कांग्रेस ऑफ वियना की खास बात ये थी कि दे इनवाइटेड फ्रांस. दे सेड कि ऑल्दो वी वर इन वॉर विद यू गाइस बट वी वांट यू टू सिट विद अस. दे कम अप विद अ सिस्टम, दे कम अप विद अ न्यू आइडिया. दे सेड कि France was able to do it because other countries were comparatively weaker in front of France. तो अगर हम ऐसा कर सकें कि इस पूरे यूरोप में relatively हर कंट्री के पास एक ही जितनी पावर हो, तो फिर ये काम नहीं होगा. फिर फ्रांस की या किसी भी एक कंट्री की हिम्मत नहीं होगी कि वो दूसरी कंट्री को हमला कर सके. सो दे केम अप विद अ सिस्टम, दे केम अप विद एन आइडिया, दे केम अप विद अ स्ट्रक्चर, आप इसको जो भी कह लें. और उस स्ट्रक्चर का नाम था कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप. ठीक है, कॉन्सर्ट, CONCERT ऑफ यूरोप. कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के तहत ये तय किया गया कि किसी एक कंट्री के पास डोमिनेंट पावर नहीं होगी. एवरी कंट्री इन यूरोप विल हैव मोर लेस सेम सॉर्ट ऑफ पावर. डज इट रिंग अ बेल, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट एम आई टॉकिंग अबाउट. आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, अर्शिया, गुड, ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पावर. यस, सो द बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, जो दुनिया में आज भी हम इसको यूज करते हैं यूरोप में, इट वॉज बॉर्न इन कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप. तो पूरी यूरोप के अंदर जो है इस बैलेंस ऑफ पावर की वजह से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया. और 1914 तक, यानी कि 1815 से लेकर 1914 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर वन नहीं हुई थी, यूरोप के अंदर मोर लेस पीस था. कोई बड़ी जंग नहीं हुई, स्क्रिमिशेस हुई थी, छोटी छोटी वॉर्स हुई थी, लेकिन ऐसी कोई ऑल आउट वॉर नहीं हुई थी जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे हुई थी या जैसे ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे हुई थी. सो द सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर वर्क्ड फॉर 99 years. व्हाई? बिकॉज फ्रांस उस टाइम का एग्रेसर वॉज मेड पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. ये फिर अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि फिर 1914 में व्हाई इट ब्रोक डाउन, तो उसकी वजह यह है कि जब मैंने आपको अभी लेक्चर के शुरू में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जर्मनी ने 1860s, 1870s में, यानी कि दौरान ही इस टाइम के जो मैंने अभी आपको कोट किया है, इस टाइम के दौरान अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया. और एक पॉइंट आया कि वो उसने आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि ये बैलेंस ऑफ पावर जो है ये ख़त्म हो. Because Germany was very strong as compared to all of the other countries. And this was the reason that balance of power was destroyed. And this is the biggest reason which led to the breakout of World War I. Agar Germany ko League of Nations ka hissa bana diya jata, agar Germany ko League of Nations ka hissa bana diya jata,
तो शायद लोग हिटलर की बातों में ना आते, शायद वर्ल्ड वॉर टू ना हो। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस था। नो, आप किसकी बात कर रहे हैं? आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ पावर और आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट लीग ऑफ नेशंस? लेकिन बैलेंस ऑफ पावर कोई ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट है कि आपने ये काम करना है। मोर लेस लार्जी लोगों ने कहा कि किसी एक कंट्री के पास ऐसी आर्टिलरी नहीं होगी जो कि दूसरे के पास मौजूद नहीं है, किसी एक कंट्री के पास इससे ज़्यादा आर्मी नहीं मौजूद हो सकती। तो इन्होंने इस तरह के फैसले किए। आप कह लें कि वो कोई कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज जस्ट अ सेटअप, एन अग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। लीग ऑफ नेशंस के अंदर बिल्कुल सैंक्शंस लगाएंगी। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रीटी ऑफ वर्साय के अंडर जर्मनी को तबाह कर दिया। अगर इतना ज़्यादा तबाह ना किया जाता जर्मनी को, उनको हिस्सा बनाया जाता लीग ऑफ नेशंस का, तो शायद इतनी तबाही ना होती जो कि विदाउट हिटलर की थी। दिस वॉज द सेकेंड रीजन विच लेड टू द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। द थर्ड रीजन, द आइडिया ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी वॉज वेरी वेग आइडिया। अब वट द हेल्प दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी मीन्स, पहले तो आप ये समझे ना। देखिए, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कंट्रीज जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि कलेक्टिवली वो पूरी दुनिया के अमन का ख्याल रखें। ठीक है, दे कलेक्टिवली टेक केयर ऑफ अदर कंट्रीज एंड दे कलेक्टिवली स्टैंड अगेंस्ट दी अग्रेसर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कह तो उन्होंने दिया कि वी विल स्टैंड टुगेदर, बट हाउ? द मैकेनिज्म्स वर्न्ट वेरी क्लियर कि किस तरह मिलिटरली उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाएंगी। इकोनॉमिकली अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर बिला वजह अटैक करती है तो उसके ऊपर साथ क्या किया जाएगा? द मैकेनिज्म वाजंट एक्सप्लेन्ड वेल। ठीक है, देखे ना, इटली ने एबिसिनिया के ऊपर अटैक किया, नथिंग वुड हैपन। जापान ने चाइना के ऊपर अटैक किया, नथिंग वुड हैपन। जर्मनी ने जब पूरे यूरोप के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया तो व्हाट डिड द यूरोपियन पावर्स डू? दे मेड अ डील विद एडोल्फ हिटलर। दे सेड ओके, आपने अभी तक जितना कर लिया ये आप रखें अपने पास, बट प्लीज मजीद मत कीजिए। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन इतनी वीक पोजिशन से बात करेगी तो वो तबाह ही होगी। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी का ना होने की वजह से ये बहुत बड़ा फेलियर बना ली गई, बहुत बड़ा रीजन। ठीक है, एंड इन माई ओपिनियन द बिगेस्ट रीजन विच लेड टू द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज दिस फोर्थ रीजन, कि उस टाइम की जो बड़ी कंट्रीज, देखें अमेरिका पार्ट बन नहीं सका, जर्मनी को आपने बनने नहीं दिया, पीछे रह गई इंग्लैंड और फ्रांस। ये अजान होने दें फिर मैं आपको, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टाइप। यूएसएसआर को हिस्सा नहीं बनने दिया गया लीग ऑफ नेशन का, वजह ये थी कि वो ऐसी टाइमलाइन थी, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुई तो उस टाइम रशिया था, जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई तो रशिया से यूएसएसआर बन गए, तो रशिया अपने ही आप कह लें कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर फंसा हुआ था। रशिया वॉज एक्सेप्टेबल टू इंग्लैंड एंड फ्रांस, बट जब उनके अंदर रेवोल्यूशन आती है और रशिया से बदल के वो एक सोवियत यूनियन बन जाता है, दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू द वंस द कंट्रीज हु मेड लीग ऑफ नेशंस। दैट्स व्हाई यूएसएसआर उस अपने सिविल वॉर के अंदर फंसा हुआ। जमार, देखें आप बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कोई कॉन्क्रीट नहीं था। देयर वर सर्टेन एग्रीमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज के वी आर नॉट गोइंग टू कीप द फोर्सेस टू दिस लिमिट एंड दे यूज्ड टू मीट विद ईच अदर। दे implemented the system of ambassadors, ये सारी चीज़ें उन्होंने इन चीज़ को अप्लाई करने की फिर कोशिश की कि हमारे कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कंट्री में होने चाहिए, वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ द कंट्री, तो इस चीज़ को कामयाब बनाने की कोशिश की थी। ओके, कमिंग बैक, आई वॉज टेलिंग यू दैट द बिगेस्ट रीजन विच लेड टू द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, the biggest reason which leads to the failure of any organization ever
इज द यू नो द नेशनल एजेंडा द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. उस टाइम की जो दो बड़े थे, जो दो एक दादी और एक नानी बच गई थी लीग ऑफ नेशंस, वो एक फ्रांस था और एक इंग्लैंड था. उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो बजाय इसके कि सिर्फ अपने बारे में सोचें, वो पूरी दुनिया के बारे में सोचें, बिकॉज दे वर द रिचेस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. बट व्हाट डिड दे डू? दे ओनली थॉट अबाउट देमसेल्फ. व्हेन इटली अटैक्ड एबिसिनिया, दे सेड फाइन, मतलब दे हैवंट अटैक्ड अस, दैट्स ओके. व्हेन जापान अटैक्ड चाइना, तो उस टाइम एक बड़ी आप कहने ब्लीक सी कोशिश की गई थी, बड़ी वीक सी कोशिश की गई थी उनको शामिल करने के लिए, जापान को रोकने के लिए. बट द मेजर आइडिया दैट वाज रनिंग इन द माइंड्स ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रांस, जापान और चाइना लड़ते रहे हमारी तरफ से, हमें क्या फर्क पड़ता. तो जब आप एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए भी सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, हाउ कैन यू मेक दैट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल? यू कांट डू इट. Any guesses? What am I referring to? What do you think? Am I referring to when I am making this point? No. No. Think. Come on. Very good. Have answers, Sana, but correct answer. देखें, I am talking about those countries, जो रशिया है, जो चाइना है, जो इंग्लैंड है, जो फ्रांस है, जो यूएसए है, जो कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट के ऊपर फैसले करते हैं. अगर उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो उसको वो वीटो कर देते हैं. ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ये आपको पढ़ाने का मकसद ये था कि कौन सी गलतियाँ हैं जो कि लीग ऑफ नेशंस ने की थी, जो कि आज यूनाइटेड नेशंस भी करता है. मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अभी भी कंट्रीज सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं. और सेकेंडली, ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया, इट इज स्टिल नॉट वेरी क्लियर. इन्होंने 1945 में जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी, इन्होंने वही गलती की. इन्होंने फिर जर्मनी को हिस्सा नहीं बनने दिया, बट चलो, इट डिडंट यू नो फायर बैक, बिकॉज जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इट Just completely changed. और अगर हम सारे रीजन को इकट्ठा कर दें तो इटली का बिसिनिया के ऊपर अटैक बहुत आसान हो जाएगा. जापान का मंचूरिया यानी कि चाइना के ऊपर जो अटैक था, वो इट मेक सेंस बिकॉज दे नो इट्स अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन एंड दे कांट डू एनीथिंग अबाउट. जर्मनी एडॉल्फ हिटलर, ही अनइक्विवोकली सेड के लीग ऑफ नेशंस कांट डू एनीथिंग टू मी, एंड ही invaded Sudetenland, he invaded Rhineland, and eventually when he invaded Poland, World War II started and League of Nations officially ended. So this was what League of Nations was. Yehi humne League of Nations kaha. So I've tried to ye jo breaks in your knowledge फ्रॉम द हिस्ट्री, आई हैव ट्राइड कि इन सबको मैं भर सकूँ ताकि आपको यहाँ तक पहुँचने की अंडरस्टैंडिंग. ओके, व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आप इन सारे रीजंस को इकट्ठा करें तो फेलियर, तो इट बिकेम्स वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वॉज इटली सो ईजीली एबल टू अटैक एबिसिनिया विद ऑल द इंटीग्रिटी दैट दे हैड. They knew that we weren't going to have any, you know, reaction from League of Nations. Japan knew that if I attack Manchuria, so kuch nahi hona. I just need to consolidate on my own power, because those countries sitting in League of Nations, they don't care about anyone else except themselves. Germany knew, they played League of Nations so well ke unhone jahan unki marzi lagi unhone usko attack. तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप हिस्ट्री से सब घबराते हैं मेरे समय, बिकॉज वी थिंक इट्स ब्लैंड, वी थिंक इट्स यू नो इट्स आपको सुला दीजिए. आप नींद तो नहीं आई, आपको बोर तो नहीं हुए, या चीज़ें कोई मुश्किल लगी हो, एनीथिंग सो दैट आई कैन मूव ऑन. मुझे आपका ओपिनियन चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट ओपिनियन, ताकि हम आगे आने वाले लेक्चर्स को बेहतर कर सकें. चल ठीक है, आई एम ग्लैड फिर आपको समझ आ गया. तो ये
जितने भी लेक्चर्स होंगे आगे सारे वो ऐसे ही होंगे, ताकि देखें प्रॉब्लम ये होती है कि इट्स द वे वी स्टडी, एंड द वे वी स्टडी अभी भी, अभी मैं उसी चीज़ के बारे में बात करने लगा हूँ, यू गाइज कैन हैव ब्रेक आफ्टर एग्जैक्टली 4 मिनट्स, ठीक है, बट जो जाना चाहता है अभी चला जाए, आई वॉन्ट एवरी वन बैक हेयर बाय 7:57, ठीक है, 7:57, आई एम वेरी पिकी अबाउट टाइम, 7:57 वॉन्ट एवरी वन हेयर, बट जो यहाँ पे रुकना चाहते हैं मैं उनसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ 3-4 मिनट की, अगर आपकी मर्जी आप रुकना चाहें, द वे यू गाइज स्टडी आई वॉन्ट यू टू चेंज दैट, ठीक है, स्टॉप एक्सपेक्टिंग टीचर्स टू स्पून फीड यू, वट एवर यू नो अबाउट स्टडीज फॉरगेट इट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी में, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इट्स रियली बैड, ठीक है, मतलब हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करवाया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं, आप एक किताब पढ़ रहे होते हैं, एक आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, तो आपकी नज़र किन चीज़ों पर होती है, आपकी नज़र होती है किसने कहा, क्या कहा, कब कहा, यू फोकस ऑन द क्वेश्चन ऑफ वट वेन एंड वेयर, बिकॉज यू आर लाइक ओके आई एम गोइंग टू अब्जॉर्ब ऑल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो आई नो कि कल को अगर कोई मुझसे कोई नाम पूछ ले एंड कोई डेट पूछ ले, सो आई कैन इंप्रेस दैट पर्सन, नो दैट इज नॉट व्हाट नॉलेज इज, नॉलेज इज हाउ कैन यू मेक एन अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड कि ये हुआ तो क्यों हुआ, द क्वेश्चंस ऑफ व्हाई एंड हाउ, व्हाई इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और आप लोगों को टीचर्स कहते होंगे जी आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है, सीएसएस के अंदर ये करना होता है, व्हाट इज क्रिटिकल एनालिसिस, इफ आई कैन पुट इट इन वन वर्ड इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाई, इफ आई आस्क यू, इफ आई एम आस्किंग यू अ रीजन, ठीक है, अब मैंने एक दो दफा चीज आप लोगों से ट्राई की है, दिस वाज आई वाज ट्राइंग टू टेस्ट, मैंने आपसे जब भी पूछा, हम ना सोचते नहीं है उस तरीके से, मैंने आपसे जब भी एक सवाल पूछा आपने मुझे व्हाट बताया, वेयर बताया, व्हेन बताया, आपने तो अब जब भी किस चीज़ के बारे में सोचते हैं ना कि एक बंदा पूछता है कि यार इसकी वजह क्या है, क्रिटिकली एनालाइज करो, ही इज आस्किंग यू अबाउट द व्हाई एंड हाउ क्वेश्चन, तो थिंक लाइक दैट, पहली चीज। दूसरी चीज़ ये है, और ये कि मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं हमारा खास तौर पे एक बंदे की जो क्रिटिकल एनालिसिस की जो एबिलिटी होती है ना वो कहाँ पे डेवलप होती है, वो यूनिवर्सिटीज में डेवलप नहीं, वो डेवलप होती है आपके स्कूल में, खास तौर पे आपके जो स्टार्टिंग के स्कूल्स होते हैं, ठीक है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि लार्जली वो लोग जो कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स करते हैं, दे एक्चुअली अंडरस्टैंड इट, ठीक है, व्हाई डू आई नो इट, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू बोथ स्ट्रीम्स, आई स्टार्टेड माय एजुकेशन विद जो नॉर्मल स्ट्रीम होती है एजुकेशन की, देन आई डिड माय ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, और उसके बाद मतलब मैं नस्ट से पढ़ा हूँ जो अपने आप को क्लेम करती है कि पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट जितनी अंडरस्टैंडिंग मैंने अपने ए लेवल्स में गेन की है वो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर गेन की, तो यू नीड टू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं और फिर आप ऊपर से कहते हैं कि मैं JEE की किताब ले लेता हूँ, तो नस्ट इज ओके फाइन, आई एम एन एस्टियन टू कह लें आप, मैं आपको कह सकता हूँ रिबर्ट कर सकता हूँ, बट छोड़ें, देखें आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक तो आपने CSS भी करना है, आपने CSS ऑफिसर भी बनना है, आपको पता भी है ये सबसे मुश्किल एग्जाम है, लेकिन जब आपके ऊपर आके पढ़ती है कि आपने बेटा पढ़ना है, तो आपके शॉर्टकट्स ढूंढने लगती है, ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स नहीं ढूंढनी आपने, ये नहीं करना कि जाके जहांगीर टाइम वर्ल्ड टाइम्स की किताब उठा लानी और फिर किसी से पूछना है कि मुझे अपने नोट्स दे दो, ये काम आपने नहीं करना, आपने अपनी मेहनत करनी है, ठीक है। जब मैं मेहनत करने की बात करता हूँ तो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि एक टेक्स्ट बुक उठाएं और पहले पेज से उसको आखिरी पेज में पढ़ना शुरू कर, ये चीज़ें ये आदतें आपने चेंज करनी है, देर इज़ ऑल्सो अ वे टू रीड अ टेक्स्ट बुक, पहली चीज़ आपने ऑथेंटिक रिसोर्सेज को रेफर करना है, यानी कि जो FPSC रेफर करता है हर सब्जेक्ट, दूसरी बात यह है कि सिर्फ किताबों के ऊपर फोकस नहीं करना, कुछ दुनिया में इवेंट्स ऐसे हैं कि अगर आपको ना पता हो तो आपको बहुत नुकसान होगा, जैसे World War I है, World War II है, Cold War है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, आपका सब्जेक्ट हो या ना हो, यू गाइज नीड टू नो अबाउट इट, एंड आई एम नॉट आस्किंग यू गाइज टू लीड यू नो टू रीड लॉन्ग टेक्स्ट बुक अबाउट ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स,
इफ यू गाइस डू रीड बुक्स दैट इज कमेंडेबल, दैट इज वेरी गुड, प्लीज डेवलप दिस हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, गुड बुक्स. बट मैंने अगर डाइवर्सिफाई करना होता है अपनी स्टडीज को, द बिगेस्ट द बेस्ट सोर्स फॉर मी इज यूट्यूब. यूट्यूब के ऊपर इट्स एन ओशन ऑफ नॉलेज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ वीडियोज, documentaries and movies. You type, you search one thing and you find amazing content. Mera jo ek favorite channel hai jo ke jo main current affairs kuch issues ke liye refer karta hu, jo baat mujhe shayad 2 ghante lag jaye samajhne mein, wo ye channel mujhe 5 minute mein samjha deta hai, uska naam hai Vox, VOX. Aur sirf ye channel nahi, is tarah ke bahut se channels hain just ke through aap ek understanding likh sakte hain. इंडिया वालों ने अपने यूपीएससी के एग्जाम के लिए हर चीज़ की वीडियोस बना के वहाँ पे रखी हुई है. तो द वे यू लुक एट थिंग्स यू नीड टू चेंज इट. अगर आपको एक चीज़ पढ़ के समझ नहीं आ रही, आपको एक चीज़ लेक्चर में कोई चीज़ डिस्कनेक्ट रह गया है, गो टू यूट्यूब. ऐसा हो ही नहीं सकता दैट यू वोंट फाइंड एनीथिंग, यू ऑलवेज फाइंड क्वालिटी कंटेंट. तो जिस तरीके से आप पढ़ते हैं उसको बोरिंग मत बनिए. आपने अगर जर्नल से पढ़ना है, आर्टिकल से पढ़ना है, तो सिर्फ वहाँ से पढ़ना है जो ऑथेंटिक. I am going to name you guys two journals which in my opinion are the best in the world for international affairs. One is Foreign Affairs and the other is Foreign Policy. Theek hai, please someone type Foreign Affairs and Foreign Policy. These two are the magazines. Ab unfortunately inki jo subscription hai wo thodi si expensive hai, but ek website hai jiska naam hai the CSS Point. I don't know if it's CSS Point or the CSS Point, but please उसको देख लीजिएगा. उसके ऊपर इसके मैगजीन्स फ्री पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपीज फ्री पड़ी. फॉरेन अफेयर्स इन माई ओपिनियन इज द बेस्ट मैगजीन राइट नाउ इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल इश्यूज, द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल. आप जब ये मैगजीन्स पढ़ना शुरू करेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आपको डर लगेगा, ये समझ नहीं आई, वो समझ नहीं आई, बहुत लंबे हैं. नो डाउट फॉरेन अफेयर्स के तो बहुत ही लंबे होते हैं क्या, लेकिन वंस यू गेट द जिस्ट ऑफ इट, वंस यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट, तो आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना सिर्फ इंटरनेशनल अफेयर्स बल्कि आपकी जो लैंग्वेज बेहतर होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है, हम लोग हर चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं पूरे सीएसएस में. पता भी होता है एग्जाम देने से पहले, पता होता है कि सबसे ज्यादा फेल बंदे ने ऐसे में होना है, और फिर यू नो स्टबर्न हो के ऐसे भी नहीं लिखते. तो ऐसे की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है. आपने अगर अपने एसेज को बेहतर करना है तो आई कैन टेल यू इन 4 words. ठीक है, लोग कहते हैं ना अच्छा हम एसेज को कैसे बेहतर करें, हम ऐसे में कैसे इम्प्रूव करें, तो मैं आपको 4 words का फॉर्मूला बताने लगा. रीड 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 एंड राइट. There is no other short way. If someone tells you there is a short way, he is bullshit. Trust me. If someone tells you that this is a set of notes and you please read it and that is going to be enough, impossible. CSS has transformed in last 4 years completely in terms of the knowledge that they ask from their students. Firstly, before 2015-16, they used to focus on what, where, when, describe a note, write a note, all this thing. Now look at the questions. Bilkul change ho gaye. All they talk about is critical analysis. They hardly talk about a knowledge-based question. Hardly. Look at Islamic studies. Aap aakhri saal ka paper utha ke dekh le. Agar usme ek bhi sawal aisa ho, to jisme aapko कोई बड़ी डिटेल नॉलेज चाहिए हो तो मुझे आपसे पूछ लीजिएगा, एक भी नहीं है ऐसा ना, एक्सेप्ट फॉर एक जहाद वाला प्रॉब्ली शायद होगा. तो सीएसएस चेंज हो रहा है, आपने इसके साथ अडेप्ट करना. अगर तो आपको लगता है कि आप ये नहीं कर पाएंगे, तो आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू. देयर आर 94 पीपल राइट नाउ इन दिस क्लास. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑन आई एम गोइंग टू गिव यू असाइनमेंट और मुझे पता चल जाएगा. There are only 10% in every class which are actually serious, जो यहाँ पे आके बैठते हैं और बाकी पढ़ते हैं, और वो वही लोग होंगे जो मुझे असाइनमेंट की करते देंगे. आप 94 में से सिर्फ 9 लोग ऐसे होंगे जो मुझे असाइनमेंट की करते देंगे. मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, मैं असाइनमेंट दूंगा, करें मर्जी नहीं करें आपकी मर्जी, फीडबैक मैं आपको ज़रूर दूँगा. ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ मैंने आपसे शेयर करनी थी. प्लीज़ चेंज करें अपने पर्सपेक्टिव को, जिस तरीके से आप चीज़ें करते हैं
एनीबडी कैन डाई ऑफ बोर्डम इफ आई आस्क यू कि ये टॉपिक पढ़ें और एक कोई बोसीदा की किताब उठा के अपने सामने रख लें, एक हाथ में आपका मोबाइल होगा या उसके नीचे आपके किताब के अंदर फोन पड़ा होगा और आप करेंगे, यू वोंट फील कंफर्टेबल. ठीक है, व्हेन यू स्टडिंग समवेयर मेक श्योर यू आर नॉट ऑन योर बेड. दीज थिंग्स लुक लाइक वेरी स्मॉल थिंग्स टू यू, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्या बकवास कर रहे हैं. ठीक है, बट बेड पे बैठ के ना पढ़ा करें और टेबल पे बैठ के पढ़ा करें और फोन आपके बाहर होना चाहिए इवन दिस टाइम. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखी. करंट अफेयर्स मैं पूरा, मुझे अकेडमी वाले जो कहते हैं वो पढ़ाता हूँ तो पहली बात. दूसरी बात ये है कि मुझसे यहाँ किसी ने पूछा है कि कोई किताब बता दें, देर इज़ नो बुक. ठीक है, देर इज़ नो बुक विच कवर्स द करंट अफेयर. खूब देखे ना, करंट अफेयर्स आपको क्या लगता है, कोई सब्जेक्ट है? करंट अफेयर्स कोई सब्जेक्ट तो नहीं है ना. करंट अफेयर्स इज यू नो इवॉल्विंग एवोल्यूशन ऑफ द इवेंट्स इन द वर्ल्ड. हाँ चलें, डिक्शनरी वगैरह के लिए अब मैं आपको क्या कहूँ, आप ये काम शुरू करनी है. करंट अफेयर्स के लिए देखिए मैंने आपको सोर्सेज बता दूँ. पाकिस्तान के अंदर मैं खैर नहीं मानता कि कोई भी न्यूज़पेपर अच्छा है, बट डॉन इज़ लाइक इट्स गुड. ठीक है, इट्स गुड. लेकिन अगर आपने वाकई में पाकिस्तान के अफेयर्स के बारे में जानना है तो पाकिस्तान में एक जर्नल है जिसका नाम है इफ्री. You guys know about it? Global Village? No. ठीक है, ये एक आपके लिए propaganda है Global Village. इपरी एक आप कह लें कि वो है एक जर्नल लिखने वाला एक इदारा है पाकिस्तान का, जो बहुत अच्छे जर्नल है. हर दो महीने बाद इनके जर्नल की एक कलेक्शन आती है. अगर आपको पाकिस्तान के इश्यूज़ के बारे में पढ़ना है तो इनसे अच्छा क्रिटिकल एनालिसिस कोई नहीं करता पाकिस्तान. ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है. ठीक है, मेरा गला हो गया खुश्क. आई एम गोना टेक 10 मिनट्स ब्रेक. तो अच्छा, मेरा नाम पूछनी है या जर्नल का नाम पूछनी है, मैं समझ नहीं. इपरी, इपरी की वेबसाइट से IPRI. कोई बंदा ISIS, अगर किसी बंदे ने मुझसे पूछा कि ISPR का प्रेस रिलीज पढ़ना चाहिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ नहीं पढ़ना चाहिए. यस रिसर्च आप लोग, कोई प्रोपेगेंडा टाइप चीज आप नहीं पढ़ी. ये ताबिंदा ने बिल्कुल ठीक नाम लिखा है, इट्स इस्लामिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट. एंड इट्स नॉट जस्ट दिस, NDO का भी अपना जर्नल आता है, तरह के हैं, दो तीन हैं और वो बहुत अच्छे हैं. सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है. एट द टाइम वी वांट दिस गाय विल गेट मोर एक्सपीरियंस कि आपने ये पढ़ना है, बी स्मार्ट. हाँ, अल जजीरा इज गुड. Students, it's your break time, so I wanted to tell you a few things if you are available in the class. Acha, ye hai that I am going to take a new batch on 1st of October, so I have to many people who are working. Yes, and I have a signed Sir Nabi. Theek hai, so in group, I'll send you the number of Sir Nabi along with along with the details. अच्छा, उसके बाद ये कि उसके बाद if you ever come across any problem, तो instead of texting me, you will definitely text in a week, क्योंकि I would not be available from 1st October. उसके बाद I'll just take the badge and I'll vanish. तो
नहीं शकील, वो भी मैं सिर्फ 7 दिन के लिए ले रही हूँ, उसके बाद आई मैं गोवेंट गॉन हो जाऊँ। बकार हुसैन में छुट्टियों में मैं तंग आ गई हूँ, बस अब मैंने सोचा कि छुट्टियाँ ले लेनी चाहिए, बट मैंने ले ली है। तो आई डोंट ओनली बी टेकिंग द न्यू बैचेस, 7 days उनकी ओरिएंटेशन करानी है ना। बस ट्रीट कैसे कैंसिल, तुम लोगों की साइकोलॉजी रखवाई है मैंने। थैंक यू सो मच सना नू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। और बाकी ये है कि आई वुड हैव लव टू से कि यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम, बट व्हेन आई से दिस यू पीपल एक्चुअली टेक्स्ट मी एनी टाइम व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेड। सो यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग, आई एम नॉट एज गुड एज योर टीचर्स आर ऑफ कोर्स। Sorry to barge into the conversation. Can you please tell me who is teaching psychology? I have no idea. I just talked to Sir Atif today and he said that we are going to start from next week. He didn't tell me about the teacher. All right. Sir, aapki awaaz gayi. Main to unko maine pehle bhi kaha tha, because the subject that I actually wanted to teach was psychology. Are you That's very good. Psychology is I can talk to Sir Atif, because you know I just took your class today, so I have no idea. I'll talk to him. I'll ask him ki kaun padhayenge, then I might ask him ki aap. Ab mere khayal se sir ko meri awaaz nahi aa rahi. Aapki awaaz. सर आपने नर्स से साइकोलॉजी पढ़ी है? सना, एवरी मैन अनफॉर्चुनेटली इन दिस कंट्री क्लेम्स टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है? वी थिंक दैट यू नो वी आर सुपीरियर टू यू गाइस, ट्रस्ट मी वी आर नॉट। सर आपने नर्स से साइकोलॉजी पढ़ी है? नो, आई एम सप्लाई चेन का। मोटिवेशनल स्पीकर में हूँ मैं, ये मैं हूँ, साइकोलॉजिस्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ मोटिवेशनल स्पीकर में। फिर से कोई मोटिवेट ही करने में चाह रही बच्चों को, कभी बेटा मिलाने लगा। अच्छा, अभी वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, अगर अभी आपको कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज पूछ, ठीक है? आपको मैं मौका दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करनी आप लोगों को, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे मुझे। ओके, इंटरनेशनल लॉ वर्सेस क्रिमिनोलॉजी, यस आई एम टीचिंग जी, आपको किसने बताया? पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड है तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आई वुड रिकमेंड, अदरवाइज नो, ठीक है? नॉट द फिजिक्स वर्सेस आईआर, आशिया इफ यू हैव अ स्ट्रांग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यू कैन गो फॉर फिजिक्स। मैं आपको बता दूं, मेरी तरफ से केमिस्ट्री रखें आप जीपीपी के साथ, अल्टीमेट आपका एम होना चाहिए कि आप लोग सेटिस्फाइड होने चाहिए सब्जेक्ट्स। हम लोग जो है ना, अच्छा बस 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 बस, अभी फिलहाल मुझे इन लोगों के क्वेश्चन के आंसर तय करने दीजिए। अर्शिया बिल्कुल आप रख सकती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है फिजिक्स का और मैथ्स का, तो यू कैन लुक इनटू इट, बट सिंस यू आर स्टार्टिंग डे इज व्हाट सितंबर, सो यू डोंट हैव मोर देन 10 टू 12 डेज टू मेक अप योर माइंड, ठीक है? जीपीपी वर्सेस क्रिमिनोलॉजी कोई कंपेरिजन नहीं है, बट आई वुड से जीपीपी वर्सेज पब्लिक एक्ट, चलो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, वो ये है कि GPP is much better because it is actually the application of whatever you study in public administration. ठीक है, तो GPP के अंदर कोई रट्टा नहीं है, इट इज ऑल दैट यू गाइज हैव टू नो एज अ सब्जेक्ट। आपको बिल्कुल मदद मिलेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जो प्रस्पेक्टिव मिलते हैं जीपीपी पढ़ के, दैट इज प्लस ये। और दूसरा जो उसका प्लस पॉइंट है कि अगर इंशाल्लाह कल को आप क्लियर कर देते हैं टेक्निक एग्जाम को, तो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प देगी, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस, अनम आई एम गेसिंग यू हैव साइंस बैकग्राउंड, ठीक है? बिकॉज ये उस तरह के लोग पूछते हैं आई आर वर्सेज पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस इज कंपेरेटिवली ईजियर देन इंटरनेशनल रिलेशंस, बट इंटरनेशनल रिलेशंस इज मोर रेलिवेंट to all of the other subjects,
पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है, बट इट्स काइंड ऑफ बोरिंग। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दो चीज़ें होती हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बिल्कुल जितनी पढ़ सकते हैं, दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए। मेरी बात याद रख लो सारे, कि एग्ज़ाम ना आप लोगों ने खुद देना है, ठीक है, ना मैंने देना है ना किसी और ने, वो आप लोगों ने खुद देना है। अभी आप अगर मेरे ना पुश करूँ इस चीज़ के ऊपर कि आप ये सब्जेक्ट रखें वो ना रखें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ना तो जो मर्ज़ी हो जाए आप वो सब्जेक्ट मत लीजिए, पहली बात। दूसरी चीज़, आपने अपने बैकग्राउंड का ज़रूर ख्याल रखना, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड इजाज़त देता है, जो लॉ वाले बैकग्राउंड बने हैं, प्लीज़ दे शुड गो कंसिडर फॉर दिस पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। दोज हु हैव बिजनेस बैकग्राउंड दे कैन कंसिडर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। इंटरनेशनल लॉ वर्सेस क्रिमिनोलॉजी बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है। मैं आपको एक बात बता दूँ, इंटरनेशनल लॉ हैज़ बिकम टू टेक्निकल, इट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन होल ऑफ द CSS ऑप्शनल्स, बट इट इज़ टू टेक्निकल। इफ यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट सम एक्स्ट्रा टाइम इन टू इट, स्टिक टू इंटरनेशनल लॉ, अदरवाइज क्रिमिनोलॉजी। काउंटिंग रखें मेरी तरफ से, IR रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक आप अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिर्फ वो ले जिसका लॉ का बैकग्राउंड है। सबा कंप्यूटर साइंसेस, इफ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग तो यू कैन थिंक अबाउट इट। ये अगर आप लोगों को किसी ने बताया ना कि इसमें नंबर होते हैं और इसमें नहीं होते, मैं डिसग्री करता हूँ इस आइडियोलॉजी से, इस बात से। जो मर्जी सब्जेक्ट रखें, अगर आपने सही पढ़ा होगा ना, तैयारी की होगी ना, आएंगे नंबर जरूर आएंगे। इंटरनेशनल लॉज टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा हो गया, क्योंकि जो ओवर द ईयर्स पेपर आ रहे हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड जर्नलिज्म। अच्छा, आई वुड से साइकोलॉजी बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंगेजिंग सब्जेक्ट इन फ्रॉम ये इन तीनों में से, सबसे जो इंगेजिंग है वो साइकोलॉजी। जेंडर स्टडीज वर्सेस सोशियोलॉजी, अच्छा, इस चीज़ के ऊपर अगर आप सोचते हैं कि इसका सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा है और इसका ज़्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जस्ट बिकॉज यू नो सब्जेक्ट के सिलेबस की लाइनें कम लिखी हुई आपको लगता है कि वो सिलेबस उसका छोटा होगा, ऐसा नहीं है। आपको पता है लॉ जो एक सब्जेक्ट है ऑप्शनल्स में, उसकी टोटल 4 या 5 लाइनें लिखी हुई, उसको क्या लगता है आपको, अब वो एक घंटे में कर सकते हैं? तो हर किसी का लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। प्लीज़ गिव मी टाइम टू आंसर एवरी वन ऑफ यू गाइज, मुझे सिर्फ सवाल सामने आ रहे हैं, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने पीछे किसको जवाब दिया। रुक जाइए प्लीज़। इंटरनेशनल लॉ उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा हु कैन पुट इन एफर्ट एंड स्टडी द बुक ऑफ शॉ, ठीक है। आप लोगों ने अगर वो इंडियन ऑथर वाली किताब पढ़ी तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी इनफ। इंटरनेशनल लॉ की किताब है समथिंग शॉ, ठीक है, हिज नेम इज, वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एक वो, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ लेगा वो फिर मुझे ईमेल कर दे, मैं उसको बता दूंगा कि आपने कहाँ कहाँ से पढ़ी, ठीक है। जनरल स्टडीज वर्सेज इन्वायरमेंटल साइंस, देखें आपका एक, हर बंदे का अपना एक परस्पेक्टिव होता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि वाकई रट्टे वाले हैं, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस सीधा सीधा सब्जेक्ट, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, आपको एक चीज़ आती है और एक नहीं आती। अगर आपको लगता है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी थोड़ी सी वीक है तो यू नो अवॉइड जनरल स्टडीज लाइक सब्जेक्ट। कंप्यूटर स्टूडेंट्स वालों के पास देखें एक ही ऑप्शन होता है कंप्यूटर साइंस का, वो अगर आपको आती है तो नहीं, वरना कोई भी सब्जेक्ट ले लें, फिर आपके लिए तो सारी फील्ड ओपन है। US हिस्ट्री वर्सेज यूरोपियन, यस, इस दो सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा कंपैरिजन आता है। US हिस्ट्री इज़ कंपेरेटिवली शॉर्टर देन यूरोपियन हिस्ट्री, पहली चीज़ US हिस्ट्री का फ़ायदा। दूसरा, US हिस्ट्री का फ़ायदा ये है कि वो हिस्ट्री कम है और करंट अफेयर ज़्यादा है US हिस्ट्री का, क्योंकि अब देखें इस दफ़ा एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन वगैरह के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा। यूरोपियन हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेप्थ। अगैन क्वेश्चन, हनन, यू नो सब्जेक्ट की नेचर के मुताबिक अगर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने टाइम को, डू गो फॉर योर।
बोतल किस लिए दी थी तुझे? आई हेट इंडो पाक, ठीक है, मैं अपने दुश्मनों को भी नहीं कहूँगा इंडो पाक रखने को, आपको पसंद है रखें बेशक मेरी तरफ से, क्योंकि मैं उसका मशवरा नहीं दूँ, ठीक है, आई एम रेडी सॉरी। ये ओवरलैप वाली जो बातें हैं है या नहीं है, यस इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल रिलेशंस का बिल्कुल है ओवरलैप इफ यू कैन, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने रखना ही है अगर ओवरलैप आ रहा है ना रख, यस आप पूरे के पूरे हिस्ट्री को स्किप भी कर सकते हैं। चलें बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, विल रीस्टार्ट आवर लेक्चर एंड विल गो ऑन एंड स्टडी यूनाइटेड नेशंस, ओके? ऑल राइट, नाउ एज आई टोल्ड यू दैट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट वाज दोज इवेंट्स व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ऐसा नहीं होता कि आप रात को सोएं और सुबह उठे और कहें कि लेट्स मेक अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट एंड एवोल्यूशनाइजेस विद टाइम। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, आप मेरे साथ यूनाइटेड नेशंस और पढ़ लेंगे ना, ना आपको आयर में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना आपको आईलॉ में पढ़ने की, ट्रस्ट अगर जिन लोगों का है, जिन लोगों का नहीं है उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। तो जो पहला इवेंट था विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज अटलांटिक चार्टर ऑफ ऑगस्ट 14, 1941। नाउ व्हाट वाज इट, 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू होती है, वर्ल्ड वॉर टू के बीच में भी अंदर भी क्या होती है, दो साइड्स होती हैं, एक साइड को बोला जाता है एलाइड पावर्स और दूसरी साइड को बोला जाता है एक्सिस पावर्स, ठीक है। एलाइड पावर्स कौन कौन सी होती हैं, एलाइड पावर्स आर फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसएसआर एंड अमेरिका, दीज वर द एलाइड पावर्स। और जो दूसरी साइड पे जो एक्सिस पावर्स होती हैं वो कौन कौन होती हैं, दोज वर जर्मनी, जापान एंड इटली, these were the seven countries which were leading their own blocks. It doesn't mean that war was just between these seven countries, it was a world war, whole world was involved, these were the countries which were leading their blocks. 1939 se leke 1941 tak the war was dominated by Germany single handedly by Hitler, bahut pitai lagayi thi usne sab, lekin 1941 mein jab America ki involvement aista aista world war 2 ke andar badhne lag jata to जर्मनी जो है इट स्टार्ट्स कंसीडिंग अ लॉट, तो लोगों को नजर आने लग जाता है कि द एलाइड पावर्स दे आर गोइंग टू विन द वॉर। ओके, हुआ है क्या कि वो साइड्स हैं एलाइड पावर्स एंड एक्सिस पावर्स, ओके, एंड द वॉर इज गोइंग ऑन एंड इन द मिड्स ऑफ ऑल द वॉर द कंट्रीज हैव सीन के लीग ऑफ नेशन तो होगी खत्म। तो अब हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि ये जंग ख़त्म होगी तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। दे वॉन्टेड टू मेक द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, विच वॉज वाई 1941 में जो एलाइड पावर्स हैं उनके दरमियान में बातचीत शुरू हो गई। एक्सेस नहीं, ASIS, एक्सेस, ASIS, एक्सेस पावर। पहली जो बड़ी मीटिंग होती है बिटवीन द एलाइड पावर्स वो होती है अटलांटिक चार्टर ऑगस्ट 14, 1941। इट वॉज एन चार्टर एंड एग्रीमेंट बिटवीन अमेरिका एंड इंग्लैंड, टू मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। इसको अटलांटिक चार्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के ऊपर साइन किया गया, एक यॉट के ऊपर, यानी कि ना अमेरिका के प्रेजिडेंट इंग्लैंड गए ना इंग्लैंड के प्रेजिडेंट अमेरिका। उस टाइम के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट, ऑलराइट, लेट मी सी व्हाट इज इट, एंड आई होप अब आप लोगों को नहीं होगी साउंड डिस्टॉर्शन। अब मेरी आवाज क्लियर है? ऑलराइट, ठीक है। उस टाइम के जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, वेरी फेमस वन, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, FDR,
इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो वाहिद प्रेसिडेंट है जो 4 दफ़ा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना. ही इज़ द ओनली प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका. उनके दरमियान और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड मिस्टर विंस्टन चर्चिल, उनके दरमियान में एक एग्रीमेंट तय पाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. इन्होंने 3 बातें तय की, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट एंड विंस्टन चर्चिल. इट इज़ रिटन देयर, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी. आज नहीं दूंगा, जब ये लेक्चर ख़त्म होगा अगले लेक्चर के बाद तब दूंगा, तो सुनिए ज़रा गौर से. इनके दरमियान मीटिंग होती है तो ये 3 बातों के ऊपर एग्री करते हैं. पहली चीज़ कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू यू नो एंड्स, दे आर नॉट गोइंग टू लेट एनी कंट्री यूज फोर्स अगेंस्ट एनी अदर कंट्री. वो कहते हैं कि जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो हम किसी कंट्री को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी और कंट्री के ऊपर अटैक कर सके. ठीक है, पहली चीज़ यूज़ ऑफ फोर्स को बैन करें. दूसरी चीज़ जो उन्होंने एग्री की कि वी आर गोइंग टू इंस्टीट्यूशनलाइज द ग्लोबल सिक्योरिटी. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दे सेड कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जिसका मकसद क्या होगा, पूरी दुनिया की रखवाली करना. दे आर गोइंग टू मेक दैट इंस्टीट्यूशन. तीसरी चीज़ जो उन्होंने एग्री की कि हमारी नज़र में दुनिया की हर कंट्री इज इक्वल इन पावर. Which of course sounds like bullshit and it was, but still they agreed on. ठीक है, तो ये हमारा पहला अटलांटिक चार्टर था जो कि उस टाइम की 2 ग्रेट पावर्स के दरमियान में साइन किया था. The second event which led to or helped the formation of United Nations was UN Declaration January 1, 1942. जो एलाइड पावर्स थी, यानी कि जो एंटी एक्सिस पावर्स थी, उन्होंने कहा कि हमें आइंदा के बाद क्या कहा जाए, वी शुड बी कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन. एलाइड फोर्सेस से बदल के उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, यूनाइटेड नेशन. ठीक है, एंड दे ऑल्सो प्रोमिस्ड के दे आर गोइंग टू कॉपरेट विद ईच अदर एंड मेक नो ट्रीटी विद द मुखालिफ पार्टी, विद द अपोजिंग पावर. अब वाई वॉज इट नेसेसरी टू एक्चुअली स्टेट कि ये करना ज़रूरी है? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंग्लैंड और जर्मनी के दरमियान एक ट्रीटी हो जाती है. वो कहते हैं कि ऑल्दो वी गाइज आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, बट ना जर्मनी इंग्लैंड पे अटैक करेगा और ना इंग्लैंड जर्मनी पे अटैक करेगा. दैट वुड वीकन द अलायंस. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ 1942. थर्ड इंपॉर्टेंट मीटिंग वॉज 30th October 1943. मुझसे ये बंदा कोई ना पूछे कि ये अगर मुझे डेट्स ना याद हुई तो मैं क्या करूं, मैं लटक जाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यू गाइज आर गोइंग टू रीड इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगैन थ्रू ऑल ऑफ द रिसोर्सेज दैट आई जस्ट टोल्ड यू, खुद ही देन बैठ गए. फोकस ऑन व्हाई एंड हाउ. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, हुएवर इज स्टडिंग टीचिंग यू दिस, दीज आर द 2 थिंग्स आई एम गोइंग टू फोकस अपॉन. थर्ड मीटिंग वॉज मॉस्को डिक्लेरेशन October 30, 1943. That declaration actually re-emphasized on everything which was already agreed upon. Because 1943 वो साल था जब दुनिया को ये नज़र आ गया था कि भाई जर्मनी की तो छुट्टियाँ थी. ठीक है, ये जंग अमेरिका और इंग्लैंड जीतेंगे, तो लेट्स प्लीज, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आपने बात की थी बनाने की, जो अटलांटिक चार्टर में आपने कहा था कि वी आर गोइंग टू मेक एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ द होल वर्ल्ड, प्लीज मेक दैट एज सून एज पॉसिबल. ना अगली जो 2 मीटिंग्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच एक्चुअली गेव दी, एक्चुअली आप कह रहे हैं मटीरियलाइज द आइडिया ऑफ यूनाइटेड नेशन. द फोर्थ वन इज तेहरान कॉन्फ्रेंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. तेहरान कॉन्फ्रेंस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक आइडिया लेकर आता है. वो आइडिया पेश किया जाता है उस टाइम के USSR के प्रेजिडेंट मिस्टर जोसेफ स्टालिन. वो आइडिया क्या होता है? वो आइडिया होता है कि अमेरिका कहता है कि हम चारों को ना पुलिस वाला बन जाना चाहिए. ठीक है ना, व्हाट डज दैट मीन? मैंने आपको 4 एलाइड पावर्स का नाम दिया था, राइट? USA, इंग्लैंड, फ्रांस एंड USSR. अमेरिका सेज व्हाई शुड वी नॉट बिकम द चौकीदार ऑफ द वर्ल्ड, कि हम चारों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर दुनिया में एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो हम लोगों को ये देखना चाहिए. वी नीड टू इम्प्लीमेंट लॉ एंड ऑर्डर इन द वर्ल्ड. नाउ स्टालिन फर्स्ट डिसएग्रीड बिकॉज लाइक दैट इज टू मच ऑफ पावर.
बट देन लेटर ही एग्रीड, और इस फोर पुलिसमैन के आइडिया को थोड़ा सा एक्सपैंड किया जाता है और चाइना को भी शामिल कर दिया जाता है। तो पांच पुलिस वाले बना दिए उन्होंने तेहरान कॉन्फ्रेंस के अंदर। आज हम इन पांच पुलिस वालों को किसके नाम से जानते हैं? एनीवन? P5, वेरी गुड, द वीटो पावर्स। तो ये वो जो वीटो पावर्स हैं, ये उस फाइव पुलिसमैन के आइडिया की मैनिफेस्टेशन है। इन्होंने अपने ऊपर लिया कि इफ वन कंट्री ट्राइज टू अटैक एनी अदर कंट्री तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू स्टैंड। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल की बुनियाद रखी गई एटलांटिक चार्टर में, जो इंस्टीट्यूशनलाइज करने की बात की थी ना ग्लोबल सिक्योरिटी को। देखें यहाँ पे क्या किया उन्होंने, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जिसमें ये पांच पुलिस वाले बैठेंगे और इनकी जिम्मेदारी होगी पूरी दुनिया की। चौथी जो मीटिंग थी, दैट वाज डिम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1944। नाउ एवरीथिंग वाज डिसाइडेड इन प्रिंसिपल कि किन चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, किन चीज़ों के ऊपर नहीं हुआ। अब डिम्बार्टन ओक्स के अंदर उसको शक्ल दी गई कि जो हम ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं वो कैसी दिखेगी, लाइक उसके क्या ऑर्गन्स होंगे, उसके क्या पार्ट्स होंगे। तो शुरू में ये डिसाइड किया गया कि यूनाइटेड नेशंस के छः ऑर्गन्स, ठीक है, क्या ऑर्गन्स है, ऑफकोर्स समझने सब कुछ पढ़ना। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिम्बार्टन ओक्स में डिसाइड की गई कि कलेक्टिव सिक्योरिटी को एक्सप्लेन कैसे करना, क्योंकि ये वो गलती है जो कि लीग ऑफ नेशंस ने की थी। दे डिडंट एक्सप्लेन हाउ डू वी कलेक्टिवली सिक्योर द ग्लोबल सिक्योरिटी। उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये जो आगे नंबर्स कुछ लिखे हैं ना, चैप्टर 6, 7, 37 जो भी लिखे हुए हैं, इसमें डरने की जरूरत नहीं, ये हमने सब पढ़ने हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। देयर वर सर्ट सम डिसएग्रीमेंट्स इन डिम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस विच वर लेटर रिजॉल्व्ड इन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था याल्टा कॉन्फ्रेंस। नाउ एट द एंड ऑफ याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑल ऑफ द डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द मेजर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर रिजॉल्व्ड। दे सर्ट कि हमने जितनी चीज़ें डिसाइड करनी थी हमने कर ली, अब वक्त आ गया है कि वी कॉल अपॉन द फाइनल कॉन्फ्रेंस और अपने इन सारे डिसीजंस के बेस पे एक आयन लिखा जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। तो दे कॉल अपॉन कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। नाउ कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज कॉल्ड ऑन अप्रैल 1945। दैट मीटिंग गोज ऑन टिल अक्टूबर 1945। 51 कंट्रीज़ ने कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस में हिस्सा लिया, जिनको ओरिजिनल मेंबर्स भी बोला जाता। इसमें ब्यूरोक्रेट्स आए, प्राइम मिनिस्टर्स आए, प्रेसिडेंट्स आए, सब ने अपनी इनपुट दी और उन्होंने एक आयन तश्कील दिया। आज हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को किसके नाम से जानते हैं? यूएन चार्टर, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जो बात आज से मैंने यू नो 1600s में शुरू करना चाहिए थी कि भी किंगडम्स हुआ करती थी, जब किसी एक किंगडम को दूसरे की परवाह नहीं, बल्कि ये भी नहीं पता था कि वो है भी या नहीं, वहाँ से कैसे जो है द व्हील ऑफ हिस्ट्री टर्न्ड एंड इट लेड टू अ लेजेंडरी हिस्टोरिक यूनाइटेड नेशंस चार्टर इन विच एवरी कंट्री एग्रीड दैट वी स्टैंड टुगेदर as the denizens, as the citizens of this world to protect this whole world. The world has changed because of United Nations. Is everybody clear on this? किसी का कोई क्वेश्चन है पूछे मुझसे? गुड। Now we need to study कि United Nations as an organization achieve क्या करना चाहती है, क्योंकि देखें ये बात बड़ी ज़रूरी है। हम लोग तो आते हैं ना कि किसी चीज़ के पर्पजेज हमारे सामने आते हैं, हम कहते हैं यार ये तो ज़रूरी ही नहीं है। देखें अगर आपने किसी चीज़ के सक्सेस या फेलियर को असेस करना है तो आप उसके पर्पजेज पढ़ें। अगर उसने अपने पर्पजेज पूरे किए हैं तो इट्स ओके सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, नॉट देन इट्स एन अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पर्पजेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। जिन आर्टिकल्स का मैं जिक्र करूँगा वो अपने जहन में रखें, ठीक है। The first one is this Article 1, which states the purposes of United Nations. There are basically four major purposes of the United Nations. The first one is the same just as that of League of Nations, that we want to avoid the future global war. Now, people would
debate ke they have been successful, they have been unsuccessful, both of them are right. It depends ke what you guys are talking about. But इनकी एक सक्सेस है कि बिल्कुल साथ, देखिए अब आप कनेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को, बिल्कुल ऐसे ही है. इनकी एक बात है कि कॉन्फ्लिक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में कम हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के बाद. इनकी वजह से हुए हैं, नहीं हुए बट हुए. वर्ल्ड वॉर 3 अभी तक इन्होंने प्रिवेंट की है, दैट क्रेडिट गोज टू यूनाइटेड नेशंस. सेकेंडली दे सेड, दे आस्क्ड देमसेल्व्स, इफ यू जस्ट अवॉइड the wars in the world, like, is this our only responsibility in the world? They said that our ultimate responsibility is to improve the conditions of the people of the world, to improve the socio-economic conditions of the world. Why? Because jin mumalik mein, jis khitte mein, jin ilaqon mein socio-economic conditions weak hain, wo hi ilaqe zyada disturbed hote hain, वॉर टॉर्न होते हैं, मोर प्रोन टू द वॉर. आप अफ्रीका को देखें, आप मिडल ईस्ट की पुअर कंट्रीज लाइक यमन और सीरिया और इराक को देखें, आप अपनी कंट्री के अंदर असेसमेंट कर लें, विच आर दोज कंट्रीज, विच आर दोज रीजन्स इन रीजन्स इन पाकिस्तान कंट्रीज जहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, वो इलाके जहाँ पे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत गिरे हैं, ठीक है, अनफॉर्चुनेट. तो उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट टू अपलिफ्ट the socio-economic conditions of the world so that people stop reverting to wars. Socio-economic conditions itni tabah kar di thi Treaty of Versailles ne Germany ki, ke people were forced to stand by a guy named Adolf Hitler. Agar un logon ko itna subjugate na kiya jata, shayad wo na sun, shayad they wouldn't have stood against. They would have stood against Adolf Hitler. We are fine. We don't need your vitriolic speeches. So that is very important. And they have actually improved. इन्होंने दुनिया में almost 40% आबादी को poverty line से बाहर निकाला है पिछले 30-40 सालों में. That is a huge success of United Nations. Polio के against campaign इन्होंने single-handedly चलाई है. ठीक है? पूरी दुनिया से इन्होंने polio को eradicate कर दिया. सिवाय दो countries. There are only two countries in the world जहाँ पे पोलियो रह गया. दूसरी कौन सी कंट्री जहाँ पे पोलियो नहीं है? अफगानिस्तान. वेरी गुड. पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये वो दो कंट्रीज हैं जहाँ पे रह गया. अभी लेटेस्ट नाइजीरिया के अंदर भी हुआ करता था, वो सिकंदर की. तीसरी चीज़ उन्होंने डिसाइड की कि दिस आवर पर्पस इज ऑल्सो गोइंग टू बी टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स, यानी कि हमने इंसानी हकूक को प्रमोट करना. So that is the first time in the history of the modern world that an organization was talking about human rights. Not, Americans' rights or French rights or British rights. They were talking about human rights. That every human being in this world is of equal nature. So इन्होंने इस चीज को explain करने की कोशिश की, elaborate करने की कोशिश की about rights of women, rights of men, rights of children. Employers, employees, because there are different categories in human beings. हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि every human being is the same and they have the same rights and responsibilities. ऐसा नहीं है. There are certain, categories in the world जिनके ज़्यादा rights हैं. There are certain categories in the world जिनके ज़्यादा responsibilities हैं. उन्होंने उसके ऊपर बात की, उन्होंने उसको promote किया अपनी different agencies के लिए. अच्छा, this was the first time in the modern history. And the second time in the classic history when somebody documented and was trying to promote the human rights. When was the first time it was promoted? In this way, in this fashion, the way United Nations is doing. Last servant of Prophet. Yes. Prophet was, of course, he's a God-gifted genius, and he told us something. He did something. जो दुनिया ने 1350 साल लगा दिए समझने के लिए, ठीक है? United Nations का अगर आप declaration देखें ना 1948, तो आपको लगेगा कि आप prophet की यही भी बातें पढ़ रहे हैं. Of course, the categories have changed, and ज़रा ज़्यादा आपको rights पे elaborate करना पड़ता है. But the idea is the main thing.
So that was a watershed moment in the history of humankind. United Nations ke declaration of 1948. Chautha jo inka purpose hai, and they want to make United Nations a hub of cooperation for the whole world. Because us time ki duniya ko ek cheez realize hogi. World War II ke baad ek cheez duniya ko realize hogi ki aane wale waqton mein problems, mushkilat aisi hongi jo kisi ek country ya do countries ko control karne ki bas baat nahi hogi. Aur hame puri duniya ko cooperate karna padega taaki hum un problems ko resolve kar sakein. So that was the fourth purpose. The United Nations ko ek aisa hub banaya jaye jahan pe global name me please the nature of the global issues which are global in nature. कौन कौन से वो इश्यूज होंगे जो किसी एक दो कंट्रीज के बस की बात नहीं. गुड. और इसके अलावा इट्स यू कीप ऑन टेलिंग मी न्यूक्लियर इश्यूज वेरी गुड और पेंडेमिक वेरी गुड सना टेररिज्म यस. ओके ओके यू गाइस गेट द जिस्ट. अब आप खुद देख लें क्या इन इश्यूज को दुनिया के अमीर से अमीर कंट्री भी अकेले रिजॉल्व कर सकती है. नहीं कर सकती. यूनाइटेड नेशंस प्रूव टू बी दैट प्लेटफॉर्म दैट वेरी प्लेटफॉर्म टू विच द कंट्रीज विच एक्चुअली एक्ट अपॉन दोस साइड ऑफ इश्यूज. द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज हैज बीन सिंगल हैंडेडली told it has been single-handedly been facilitated by United Nations. The fight against coronavirus, World Health Organization, किसकी agency है? It is the agency of United Nations. तो बहुत से ऐसे issues हैं जिनको United Nations ने अपने हाथ में even goes for nuclear issues. Clear है? Okay. Now, जब आप अपने objectives या purposes set करते हो एक कंट्री अपने ऑब्जेक्टिव या पर्पज सेट करती है या एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव या पर्पज सेट करती है ओके 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 रियली सॉरी अब नहीं हो गई है आप सॉरी फॉर द अनॉइंस. देखिए जब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंट्री अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है तो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इट हैज टू हैव अ स्ट्रक्चर. ठीक है एक स्ट्रक्चर होना चाहिए एक एजेंसीज का पूरा सेटअप होना चाहिए बिकॉज सिर्फ एक जगह लिख देना इज नॉट इनफ. अब पाकिस्तान के आइन में बहुत से राइट्स दिए गए हैं आप लोगों को अगर आप लोगों को पता हो तो देर आर सर्टन फंडामेंटल राइट्स जो कि हर बंदे का हक है फंडामेंटल राइट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं. बट क्या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख देना इज दिस इनफ. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का एक राइट है कि राइट टू फेयर ट्रायल हासिल है हर बंदे का. बट क्या ये लिख देना काफ़ी है? उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए. कोर्ट्स चाहिए पुलिस वाले चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ चाहिए एक पूरा एक सेटअप चाहिए. ठीक है तो यूनाइटेड नेशंस के जो पर्पजेज या ऑब्जेक्टिव है उनको भी अगर उसमें फुलफिल करना है तो इट नीड्स अ ग्रुप ऑफ different organs and agencies and organizations to actually fulfill those criteria. United Nations ने पहली बात की कि हम दुनिया में कभी जंग नहीं होने देंगे. तो जंगों के बहुत से रीजंस हैं. अब एक उनका उन्होंने जो हल निकाला है इस चीज़ का कि पीस कीपिंग मिशन उन्होंने अफ्रीका में आज भी पीस कीपिंग मिशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो ये एक तरीका है पीस कीपिंग करने का यानी कि दुनिया में जंग ना होने का. इट हैज़ हेल्प टू amicably resolve the issues between the war-torn countries of Africa. Secondly, आप लोगों को पता होगा कि एजेंसी है जिसका नाम है IAEA, International Atomic Energy Agency. Now, इसका क्या काम है? इसका काम यह है कि दुनिया में न्यूक्लियर पावर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके ऊपर नज़र रखी जाए. ठीक है दुनिया में इस टाइम 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है. 5 लीगल पावर्स हैं 4 इलीगल पावर्स हैं. तो इनका काम यह है कि ना किसी कंट्री को न्यूक्लियर पावर बनने दिया जाए मजीद और न्यूक्लियर को सिर्फ सिविक यूजेस के लिए इस्तेमाल किया. ठीक है देन देयर इज CTBT. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल व्हाट दैट इज. सिक्योरिटी काउंसिल मागे जाके पढ़ेंगे क्या होता था पूरा उन्होंने सेटअप बनाया. इसी तरह अगर उन्होंने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात की तो उसके लिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाया. उन्होंने इकोसॉक नाम की एक चीज़ बनाई. हम देखेंगे भी क्या होता है.
यूनिसेफ आप लोगों ने सब ने सुना होगा, चिल्ड्रन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन वुमेन, ये सारी डिफरेंट एजेंसीज हैं, इनका क्या काम है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना. हर ग्रुप के लिए उन्होंने डिफरेंट एजेंसी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आई डिलिबरेटली लेफ्ट लोन बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रोल है इट हैज़ बीन ओवरटेकन बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक. एंड जब हम वो पढ़ेंगे ये तो और देखेंगे क्या. And there were certain other roles that were played historically by United Nations जो कि उनके UN Charter के अंदर लिखे हुए नहीं, but the time जब वो evolve उनको करना पड़ा तो उनको वो चीज़ें करनी पड़ी because they saw it as their responsibility. Now one of them is the United Nations की ने एक कमेटी बनाई, कमेटी ऑन decolonization. ठीक है, now this is not defined anywhere in the UN Charter. इन्होंने IPCC बनाया. ये भी दो ऐसे काम थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं थे, यूएन चार्टर में कहीं मेंशन नहीं थे, बट दे स्टिल डिड. एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? COP इज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. COP stands for Conference of Parties. It COP occur under IPCC. अच्छा, आप लोग सबको पता है फिर IPCC क्या होता है? अगर किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा इसका मतलब है मैं assuming कि everybody knows what IPCC is. देखिए आप लोग पूछा करें ना. IPCC ये वो पैनल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जितनी भी जो मीटिंग्स होती है ना, कॉप 21, 22, 23, 24, आज तक जितना भी कुछ हुआ वो IPCC के अंदर हुआ. अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की, अच्छा, डीकोलोनाइजेशन कमेटी क्या होती है वो मैं आपको बता दूँ. देखिए, अगर आपने डीकोलोनाइजेशन समझना है तो उससे पहले आपको कॉलोनाइजेशन समझना पड़ेगा, और आई थिंक वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ शुरू से. कॉलोनाइजेशन क्या होती थी कि सर्टेन बिग कंट्री they used to send their army and bureaucracy and resources to another country और वहाँ पर जाके वो उसको अपनी बेस बना लेते थे, उसको अपनी कॉलोनी बना लेते थे और उसके resources यूज करते थे. अमेरिका वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश मोनार्की, सब कॉन्टिनेंट वॉज द कॉलोनी ऑफ US मोनार्की. वो यहाँ आके क्या करते थे? यहाँ आके वो फूल थोड़ी बेचते थे, हमारे resources को उठा के वो ले जाते थे अपनी कंट्री. ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड, सबरीना इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, वी आर नॉट स्टडिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ. तो व्हाट चेंज्ड कि उनको डीकोलोनाइजेशन की कमेटी बनाना पड़ी? दुनिया में जो बड़ी कॉलोनाइजेशन पावर्स रही हैं, यस, इंपीरियलिज्म इज अ थ्योरी, कॉलोनाइजेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंपीरियलिज्म. ठीक है, colonization is like a tool of imperialism. Decolonization committee unhone iske liye banayi thi kyunki duniya change ho rahi thi. Historically jo badi colonizing powers rahi hain wo kaun si thi? Main bata raha hu, hi aapko bata raha hu. Badi jo historically colonizing powers rahi hain, historically agar aap dekhen, Spain, England, France, Portugal and Netherlands. Ye 5 badi nations thi जो कि बहुत बड़ी इंपीरियलिस्टिक पावर्स हुआ करती थी. एंड ब्रिटेन इनमें सबसे नया था. ब्रिटेन जब आया तो उसने सबको ही उड़ा दिया, इट वाइप्ड आउट एवरीवन बिकॉज दे वर दैट स्ट्रॉन्ग. सो व्हाट डू यू थिंक, कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाई वाज इंग्लैंड सो स्ट्रॉन्ग इन फेस ऑफ ऑल द अदर कॉलोनाइजर्स? व्हाट वाज दैट रीजन व्हिच मेक देम सो स्ट्रॉन्ग? नेवी, वेरी गुड, इट वाज द नेवी. नेवी प्लेड अ की रोल. हुआ ये कि जब इंग्लैंड आया तो स्पेन और पोर्चुगल तो वैसे ही अपने बोरी बिस्तर लपेटा चले गए, नेदरलैंड भी दुनिया से चला गया. वर्ल्ड वॉर टू तक दो ही बड़ी कॉलोनाइजिंग पावर रहती थी, जो थोड़ी बहुत रहेगी, एक थी फ्रांस और एक थी इंग्लैंड. वर्ल्ड वॉर टू ने डिस्ट्रॉय कर दिया फ्रांस को और इंग्लैंड को कम्प्लीटली. और जो कॉलोनाइजिंग पावर्स होती है ना, उनको एक बात पता होती है कि अगर हमने कोई कॉलोनी चलानी है तो वी नीड टू पे मिलिट्री, वी नीड टू पे ब्यूरोक्रेसी. And they knew के अब ये नहीं हो सके. तो what did they do?
they decided that they are going to somehow leave their colonies. Mera ye manna hai, that's my personal opinion. Kya agar World War II na hoti, to ye hamara mulk itni jaldi na ban. Our country was created because England got so weak that they were unable to control us. ये हमारी हिस्ट्री की किताबों में कहीं नहीं लिखा, ठीक है? अमेरिका, नो, अमेरिका डिडंट फोर्स देम टू, अमेरिका डजंट केयर, ठीक है? क्या होता है, इंग्लैंड न्यू ऑन देयर ओन कि भाई हमने अब छोड़ना है, वी नीड टू लीव इट, हमने कोई ऐसी चीज छोड़ के नहीं जानी और ना यहाँ रहने देंगे. और अब खुद देख लें अपनी हिस्ट्री की किताबों में, 1940s ऑनवर्ड इंग्लैंड का जो करंट टोन थी, इंग्लैंड की हिस्ट्री चेंज हो गई. भाई कैसे ऐसे हो गया कि 20 साल पहले आप मतलब बगैरतों की तरह हमारे पीछे पड़े हो, और अभी जो है आप कह रहे हो कि प्लीज हेल्प अस आउट इन द वॉर. ओके, नाउ यू आर सेइंग कि प्लीज हेल्प अस आउट इन द वॉर. तो रीजन उसका ये था कि दे न्यू दैट दे हैव टू लीव. आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर पाकिस्तान की और ये इंडिया की जो फोर्सेज थी उन्होंने कितनी हेल्प की थी, ठीक है? मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा, लेकिन आपको ये ना पता नहीं पता होगा कि उसमें सब कॉन्टिनेंट के फौजियों का बहुत रोल था. आप सब लोगों ने आई एज्यूम डनकर्क एक मूवी है देखी होगी. डनकर्क एक ऐसा एक ऐसी आप कह लें आइलैंड था फ्रांस की पास, तो वहाँ पे आधी फौज फंस गई थी, ठीक है, फ्रांस की और लार्जली इंग्लैंड की, और दे वर सराउंडेड बाय द जर्मन फोर्सेस. उनको बचाने के लिए उनकी आर्मी नहीं आई, उनको बचाने के लिए लोग आए, और वो लोग मैक्सिमम सब कॉन्टिनेंट थे. और ऑफ कोर्स मूवी के अंदर ये चीज़ नहीं दिखाई गई. तो यूनाइटेड नेशंस ने कमेटी डीकॉलोनाइजेशन इसलिए बनाई कि जो कॉलोनाइजिंग के बाद डीकॉलोनाइज हो रही है, यानी कंट्रीज आज़ाद हो रही हैं, उनको ओवरलुक किया जाए, कि उनके हक तलफी तो कोई नहीं होगी, उनको अपने पूरे राइट्स मिल रहे हैं. ये पर्पस है यूनियन कमेटी ऑफ डीकॉलोनाइजेशन. क्लियर है? बिल्कुल, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन, दैट वाज द बेसिक आइडिया. ओके, वेरी गुड. नाउ आई टोल्ड यू गाइस द इन द बॉटन ओक्स इट वाज डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू हैव सिक्स ऑर्गन्स, बट मैंने यहाँ पे पांच लिखे हैं. उसकी वजह यह है कि अब पांच ऑर्गन रह गए, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस. छठा ऑर्गन जो नहीं है मैं उससे शुरू करूँगा. हमने इन छः में से तीन ऑर्गन डिटेल में पढ़े, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, स्टडी इंटरव्यू. जो बाकी तीन है उनको बस एक बेसिक नॉलेज आपको दूंगा, बिकॉज देयर नॉट इम्पॉर्टेंट. Starting from the organ which is not written here. जो organ नहीं लिखा हुआ उसका नाम हुआ करता था Trusteeship Council, ठीक है? Now, what was Trusteeship Council? Trusteeship Council का काम ये था कि जो countries decolonize हो रही हैं उनको overlook कर, उनकी हिफाजत कर, यानी कि colonizing जो nations थी वो अपनी जगह छोड़ रही थी, forcefully छोड़ रही थी, मजबूरी से छोड़ रही थी, कहने पर छोड़ रही थी, जो डीकोलोनाइजेशन हो रही थी उसको ओवरलुक करना ट्रस्टीशिप काउंसिल का एक दूसरा काम इनका ये था. जैसे मैंने आपको बताया था लीग ऑफ नेशंस के अंदर एक सिस्टम उन्होंने मुतारफ करवाया फॉर द कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, मैंडेट सिस्टम. मैंडेट सिस्टम में कुछ कंट्रीज को जिम्मेदारी दी गई, यूनाइटेड को, यूनाइटेड किंगडम को उसकी जिम्मेदारी दी गई, किसको, फ्रांस को. अब वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई, लीग ऑफ नेशंस ख़त्म हो गई, लेकिन मैंडेट सिस्टम कंप्लीट तो नहीं हुआ था, क्योंकि वो कंट्री से छोड़ के भाग गई थी. इंग्लैंड और फ्रांस तो ये छोड़ के भाग गए थे कि भाई हमसे ये काम नहीं होगा. तो जो कंट्रीज ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कंट्रीज मैंडेट सिस्टम के अंदर हुआ करती थी, उनको क्या किया गया, उनको ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर दे दिया, ठीक है? यह तो होगी हमारी ट्रस्टीशिप. सेकेंडली मैं आपको जो बताना चाहूँगा दैट इज सेक्रेटेरियट. नाउ एज आई टोल्ड यू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी बिग ऑर्गेनाइजेशन हैज फोर मेजर ऑर्गन. वन इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, वन इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, वन इज द ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गन, एंड द अदर वन इज द जुडिशियल ऑर्गन.
यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर देखा जाए तो जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो कौन सा है, वो है जनरल असेंबली, जो कि कानून साजी कर सकती है। तो एग्जेक्टिव ऑर्गन है नो, ट्रस्टी काउंसिल डज नॉट सपोर्ट, डिडंट सपोर्ट कॉलोनाइजेशन, इट वाज जस्ट ओवर लुकिंग द कंट्री जो कि डिकॉलोनाइज हो रही है, उनकी हिफाजत की जा सकती है। So, General Assembly is the legislative organ. The Security Council is the executive organ, and the ICJ is the judicial organ, as the name suggests. Secretariat is the bureaucratic organ. Secretariat ka kaam kya hota hai? To act as a bridge between all of the other organs, to control the agencies. Okay, so a good question. 1994 mein Trusteeship Council ko abolish kar diya gaya, kyunki 1994 ke baad koi nayi country हार्डली कोई कंट्री बनी होगी, 1994 के वक्त की कंट्रीज नहीं। तो जब नई कंट्रीज बनना शुरू हो गई, जब हर कंट्री को आज़ादी हासिल होगी, उनका ट्रस्टी के काउंसिल का काम नहीं रहा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। तो सेक्रेटेरिएट का क्या काम है कि यू नो टू कीप इन टेंडम ऑल ऑफ द अदर ऑर्गन्स, सही है। सेक्रेटेरिएट इज द ग्लोबल ब्यूरोक्रेटिक आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो कि इसके अंडर काम करने वाली जितनी एजेंसीज हैं उनको भी देखता है। बहुत सी एजेंसीज उनके अंदर काम करती हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एजेंसी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्गन एंड एन एजेंसी। इस टाइम हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? व्हाट्स द नेम? पोम्पियो। वेरी नाइस। It's Antonio Guterres. Okay, he's from Portugal, and he's the ninth Secretary General of the United Nations. Very important figure for the United Nations. Acha, jo teesri unimportant organization hai, wo hai ECOSOC, jo organ hai, jo humne detail mein nahi padha. ECOSOC, Economic and Social Council. It is known as ECOSOC. ECOSOC. इसका क्या काम? इट इज एन ऑर्गन विच वर्क्स अंडर जनरल असेंबली। ये ऐसा ऑर्गन है जो कि जनरल असेंबली के अंडर काम, ठीक है। तो इसका काम है आइंदा आने वाले वक्तों में किस तरह इकोनॉमिक पॉलिसीज दुनिया की चेंज होगी उसके ऊपर रिकमेंडेशन देना, सोशल पॉलिसीज कैसे चेंज होगी उनके ऊपर रिकमेंडेशन, ठीक है। तो ये जनरल असेंबली के अंडर काम। ये तीन ऑर्गन ऐसे थे जो मैंने आपको बताने थे कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है और हम डिटेल में नहीं। बिफोर आई गो ऑन टू जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑल ऑफ इट, आई वांट टू टेल यू जस्ट वन सिंपल थिंग, ताकि आपके लिए चीज़ें समझना सिंपल हो जाए। इफ़ देयर इज समथिंग व्हिच इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस, तो आप समझ लें जनरल असेंबली के हाथ में वो चीज़ नहीं है। अगर कोई चीज़ वाकई इम्पॉर्टेंट है, इम्पैक्टफुल है, पावरफुल है, वो काम कौन कंट्रोल करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल। दैट इज जस्ट सिंपल रूल ऑफ थंब दैट आई एम टेलिंग यू, ताकि जब हम इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़े होंगे आगे आने वाले ऑर्गन्स के वो आप समझ, ठीक है। चले अब विल स्टडी जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली व्हिच इज नोन एज UNGA, ठीक है। ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। इट अलाउज यूनिवर्सल एडमिशन। Now, universal admission means if a country wants to become part of the United Nations, तो कोई इतनी बड़ा क्राइटेरिया नहीं है UN के मेम्बर के पार्ट का, ठीक है। यू कैन बिकम पार्ट ऑफ इट। देर आर अबाउट 215 कंट्रीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड अमंग देम देर आर 193 विच आर द मेम्बर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और ऑफकोर्स यूनाइटेड नेशन का यही एम है कि पूरी दुनिया मेम्बर बन जाए, ठीक है। Alright, sorry for this. Okay. हर मेंबर का एक वोट होता है जनरल असेंबली के अंदर, और जनरल असेंबली का जो फॉर्मल इजलास होता है इट इज एक्चुअली इन द लास्ट 10 डेज ऑफ सितंबर, जो कि आजकल चल रहा है। डिफरेंट कंट्रीज के जो प्रीमियर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, फॉरन ऑफिसर्स, फॉरन मिनिस्टर्स, वो यहाँ पे आके स्पीचेस करते हैं। हर कंट्री का एक वोट होता है, तो सॉवरन इक्वालिटी यहाँ तो बिल्कुल फॉलो की जाती है, ठीक है। Now,
there are always two types of matters which are passed and discussed in the legislative assembly. पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली देखें, या तो एक कोई कॉमन सा बिल पास होगा, ठीक है, या फिर एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा. तो वन इज अ सिंपल मैटर एंड वन इज इम्पॉर्टेंट मैटर. जनरल असेंबली के अंदर भी यही दो मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं. इसी तरह अगर कोई चीज़ सिंपल मैटर है तो उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करवा लिया जाता है, लेकिन अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट मैटर है तो उसको पास करवाने के लिए हमें 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत है. अब सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता, एक्चुअली 50% वोट्स, मोर देन वन मोर देन 50%, दिस इज व्हाट यू नो सिंपल मेजोरिटी. द एब्सोल्यूट मेजोरिटी मीन्स 2/3 ऑफ वोट्स. लेकिन इसके आगे मैंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ लिखी हुई है, प्लस P5. देखें आगे जैसे जैसे हम देखेंगे ना, हमें पता चलेगा कि जनरल असेंबली और जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो आपस में रिलेशनशिप है ना, इट इज वेरी टिल्टेड टुवर्ड्स सिक्योरिटी काउंसिल. डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट मैटर देखें, शकील वही है, इम्पॉर्टेंट मैटर इज एन इम्पॉर्टेंट मैटर एंड सिंपल मैटर इज अ सिंपल मैटर. जो आप समझ रहे हैं वो वही है. सवाल आपको ये करना चाहिए था, ये डिसाइड कौन करता है कि ये इम्पॉर्टेंट मैटर और ये सिंपल मैटर. तो ये मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जैसे जैसे आगे पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ रियलाइज होगी कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के बीच में रिलेशनशिप है ना, वो इक्वटेबल नहीं. सिक्योरिटी काउंसिल डोमिनेट्स द जनरल असेंबली. जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो P5 मेंबर्स हैं ना, जो 5 परमानेंट मेंबर्स, वो डिसाइड करते हैं फॉर मैटर इज इम्पोर्टेंट और नॉट. If they say that something is important, it is important. That's how simple. And even if one of them says, I don't agree to this, it won't happen. One. ठीक है? तो आपने एक तो अलग-अलग से हमने United Nations General Assembly और Security Council पढ़ने, इनके relationship को भी जरा analyze करने हैं कि इनका आपस में किस तरह से रहते हैं. फाइनली जो आखिरी कंट्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हिस्सा बनी है उसका नाम है साउथ सूडान, ठीक है, 2011 में. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली. जनरल असेंबली के मोर और लेस चार फंक्शन हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डेलिब्रेटिव फंक्शन. नाउ एज द नेम सजेस्ट, द डेलिब्रेटिव फंक्शन मीन्स डेलिब्रेट करना, बातचीत करना, डिबेट करना, आर्ग्यू करना. ये सारी ये कहाँ लिखते हैं, ये लिखे हैं ना आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11. किसके, यूएन चार्टर के आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11. लैंग्वेज इज बिट लीगल व्हेन यू स्टडी देयर, सो आई एम ट्राई आई ट्राई एंड मेक इट इजी फॉर यू गाइस. आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 ये कहता है कि जनरल असेंबली हैज द पावर टू कंसिडर जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड गिव रिकमेंडेशन. नाउ व्हाट डज दैट मीन, लेट्स ब्रेक इट डाउन. जनरल प्रिंसिपल्स का मतलब ये है कि देर आर सर्टन प्रिंसिपल्स विच आर रेलिवेंट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. दोस प्रिंसिपल्स दैट वी नीड टू अपहोल्ड इफ वी एक्चुअली वांट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. व्हाट डू यू थिंक वो दोस प्रिंसिपल्स वुड बी, यू नो, सॉवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कंट्रीज आपस में इक्वल है, यूज ऑफ फोर्स नहीं होना. ये वो जनरल प्रिंसिपल्स हैं विच आर यूज एंड विच आर इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. तो जनरल असेंबली के पास ये पावर है कि उन प्रिंसिपल्स को कंसिडर करते हुए ये एक रिकमेंडेशन का आप कह लें कि ड्राफ्ट बना सकते हैं, और वो रिकमेंडेशन उनको किसको भेजनी है, सिक्योरिटी. ठीक है, मतलब इससे ज्यादा आपको फैसला नहीं कर सकते. सेकेंडली लेट्स लुक इनटू द सुपरवाइजरी फंक्शंस.
Now, what are the supervisory functions? प्लीज अपने कैमराज वगैरह बंद कीजिए. जिस जिसका भी ऑन है. ओके, सुपरवाइजरी फंक्शन के देयर आर सर्टेन सुपरवाइजरी फंक्शंस टू. सुपरवाइजरी फंक्शन एज नेम सजेस्ट, इट सेज के इट हैज द पावर टू सुपरवाइज सर्टेन थिंग. इकोसॉक मैंने आपको पहले बताया था, ये उसको डायरेक्टली सुपरवाइज करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल को भी ये सुपरवाइज किया करता था, जो कि आप नहीं रहे. सिक्योरिटी काउंसिल हर साल अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है जनरल असेंबली को. नाउ दैट आल्सो फॉल्स अंडर द जनरल असेंबली की सुपरवाइजरी पावर्स कहने को. बट डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट? नो इट्स नॉट. दे आर नॉट आंसरेबल टू दैट, दे जस्ट गिव देयर रिपोर्ट्स. Moreover, General Assembly has also more control on the Secretary General than Security. आपको ये दोनों functions पढ़ के क्या अंदाजा हुआ कि General Assembly कैसा organ है? Useless, ठीक है, मतलब कि it's a, like a toothless organ. कहने को इसको सबसे स्ट्रांग होना चाहिए था, क्योंकि मेंबरशिप देखें पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा इसके मेंबर है. सिक्योरिटी काउंसिल में तो 5 टोटल परमानेंट मेंबर्स हैं. तो इट इज़ जस्ट, इट्स नॉट वेरी पावरफुल. ओके, मूविंग ऑन. इसकी और कौन कौन सी पावर है? इट हैज सर्टन फाइनेंशियल फंक्शंस. नाउ दैट्स अ गुड, दैट्स अ बिग पावर कि जनरल असेंबली के पास पूरे यूएन का बजट अप्रूव करवाने की पावर थी. ठीक है, अब दैट्स अ ह्यूज पावर. अब आप खुद सोचें कि यूएन पूरे सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, एजेंसीज, लटरम बटरम सब का जो है वो ये पास करता है, बजट पास. दैट सीम्स लाइक एन इम्पोर्टेंट पावर. बट देयर इज अ कैच हियर. पासिंग ऑफ द बजट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. एंड आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू गाइस कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट फंक्शन पास करवाना है तो पी है तो कंसेंट चाहिए. यानी कि अगर उनकी मर्जी का बजट नहीं बनेगा तो वो पास भी नहीं होने देंगे. सुपरवाइजरी फंक्शंस आर वेरी सिंपल. इट सुपरवाइजेस इकोसॉक, इट सुपरवाइजेस सिक्योरिटी काउंसिल एंड सेक्रेटरी जनरल. दैट्स वेरी सिंपल. ठीक है, डोंट लुक इनटू फाइनेंशियल फंक्शन. समझे आप? फाइनेंशियल फंक्शन यानी कि बजट पास करवाना जो है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. अगर इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो P5 का कंसेंट जरूरी है. उनकी मर्जी के बगैर का जो बजट है वो नहीं बनता. डू यू थिंक इट्स फेयर? How is it fair? If you're saying it's fair, why is it fair? Good, very good. देखें जो major contributors हैं वो भी तो ये खुद ही है ना, तो जाहरी बात है. मतलब हम पाकिस्तान वाले, पाकिस्तानी जो हैं, किसी को 500 रुपया दे दें तो शाम तक उसको जिताते रहते हैं. तो भाई they pay like billions of dollars. Why would they not want के you know बजट हमारी मर्जी का बने? दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स भाई. देखिए वही बात बार बार आ रही है ना कि मैंने आपको शुरू में जो बताया था कि अब कंट्रीज को पता चल गया है कि हम डायरेक्टली कॉलोनाइज तो नहीं कर सकते. लेट्स कॉलोनाइज देम थ्रू व्हाट? थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि आई कंप्लीटली एग्री विद द पर्सपेक्टिव, बट दैट इज वन ऑफ द. क्लियर है? तो ये इसका काम ये है फाइनेंशियल फंक्शन यानी कि सबके बजट्स पास करते हैं. देन इट ऑल्सो हैज सर्टेन इलेक्टिव फंक्शंस. नाम से जाहिर है इलेक्टिव फंक्शंस यानी कि किसी को इलेक्ट करना सर्टेन चीज में. नाउ कुछ इलेक्टिव फंक्शंस ये अकेले करता है, कुछ सिक्योरिटी काउंसिल के साथ शेयर कर देता है. अगर तो सिक्योरिटी काउंसिल शेयर कर रही है इलेक्टिव पावर इसके साथ, तो इसका मतलब है इट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. अगर जनरल असेंबली को अकेले फ्री हैंड दिया गया है कि भाई आप जो मर्जी करें, इसका मतलब ये है कि दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, दैट द रूल ऑफ थंब दैट आई टोल्ड यू गाइस. नाउ किसी नए मेंबर को अगर इंक्लूड करवाना है तो ये कौन सी पावर है? आर्टिकल 4 के अंदर दर्ज की हुई पावर है. सिक्योरिटी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन. इट्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इसका मतलब ये है कि P5 की मर्जी के बगैर कोई नया मेंबर भी नहीं आ सकता. किसी मेंबर को सस्पेंड करवाना हो, किसी मेंबर को एक्सपेल करवाना हो,
4, 5, 6 ये तीनों इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. अगर ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है तो कहने तो ये जनरल असेंबली ही करेगा, बट सिक्योरिटी काउंसिल जब तक इसको क्लियर नहीं देगा ये मैटर के ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती. ठीक है, देन जनरल असेंबली का एक पावर है कि इट कैन इलेक्ट नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. नाउ ये अकेले जनरल असेंबली के पास है, तो इसका मतलब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि नॉन परमानेंट मेंबर्स जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठे हुए हैं दे आर नॉट लाइक रियली पावर. ये नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे जनरल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से. आईसीजे के इलेक्शंस, ठीक है, आईसीजे जो है उसके इलेक्शंस ये दोनों मिलके करवाते हैं. इकोसॉक के 54 मेंबर्स सिर्फ जनरल असेंबली करती है, तो इट मींस इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये इसके कुछ सर्टन इलेक्टेड फंक्शंस. ठीक है, ओके फाइन, इनफ विद द बोरिंग स्टफ. ठीक है, आई नो, बट दिस इज समथिंग दैट यू गाइस नीड टू नो. ये एक स्पेशल पावर है जनरल असेंबली के पास, लेकिन इसका जिक्र मैं अभी नहीं करूंगा. इसका जिक्र मैं तब करूंगा जब हम सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको तभी समझ, वरना वैसे आपको ऊपर से. So let's talk about the second organ of the United Nations, which is the most powerful organ in the whole United Nations. Its name is UN Security Council. Okay. First of all, the structure. It's a very simple structure. It has total 15 members. Har waqt iske andar 15 members. 5 members are permanent, jo ki apne aap ko 5 policemen kehte the, apne aap ko वीटो पावर्स कहते हैं, परमानेंट फाइव कहते हैं, टी फाइव कहते हैं, जो भी आप कहते हैं. वो कौन कौन से हैं? यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस. और देर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. ठीक है, अब ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल के बाद जो है वो ऑल्टर करते रहते हैं, चेंज होते हैं. ठीक है, जनरल असेंबली का काम है नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट करके भेजना. वो कैसे करेंगे? जनरल असेंबली ने दुनिया को 5 हिस्सों में डिवाइड किया. ठीक है, देर आर 5 डिफरेंट पार्ट्स जिसके अंदर जनरल असेंबली ने डिवाइड किया हुआ दुनिया को. वो कौन कौन से हिस्से हैं? एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप. दीज आर द 5 डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि जनरल असेंबली ने तोड़े हुए हैं दुनिया. और हर रीजन में से हर 2 साल के बाद 2 कंट्रीज इलेक्ट की जाती हैं और सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट. Any question about the structure of Security Council? There is someone जिसके जहन में सवाल एक होगा, जो कि हर you know session में होता है एक बंदे के जहन में. Repeat, okay, repeat मैं कर देता हूँ. Asia, Africa, Latin America, Western Europe and Eastern Europe. ये 5 ठीक है. पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो 7 times बन गया. चेक कीजिएगा 7 है या 9 है. ठीक है, आई एम नॉट रेडी गुड विद मेमोराइजिंग कार्ड. 7, ओके, इट्स 7. तो एनी अदर क्वेश्चन अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर? को हम बात करेंगे कि कर सकता है इंक्रीज या नहीं कर सकता. बिकॉज यूरोप हैज 2 डिफरेंट ऑरिजिन्स, वेस्टर्न यूरोप अलग है, ईस्टर्न यूरोप अलग है. ऑस्ट्रेलिया कम्स अंडर वेस्टर्न यूरोप. कनाडा भी वेस्टर्न यूरोप में. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि चाइना कैसे बन गया 1945 में मेंबर परमानेंट? चाइना तो आज़ाद ही 1949 में हुआ. ये बड़ा फेमस सवाल होता है स्टूडेंट्स का. आप में से किसी ने नहीं पूछा, चले मैं आपसे पूछूं. कोई इतने खास बेनिफिट्स नहीं है, हम अभी डिस्कस करेंगे इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स क्या कर सकते. चले मैं आपसे जो क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि How did China become part of the United Nations Security Council as a permanent member in 1945? जब 1949 में चाइना आजाद हुआ था.
देखा, किसी ना किसी के जहन में बिल्कुल ये सवाल होता है। देखिए, इसका जवाब ये है कि गुड माहीन, जो पहले चाइना हुआ करता था उसका नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना, विच वॉज रूल्ड फ्रॉम ताइवान। लेकिन चाइना के अंदर 1900 जैसी स्टार्ट हो गया था, एक रेवोल्यूशन चल रही, और वो रेवोल्यूशन 1949 में कामयाब हो जाती है। इट ओवर थ्रोज द प्रीवियस गवर्नमेंट और रिपब्लिक ऑफ चाइना से बदल के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी, और बड़े डिसएग्रीमेंट्स के बाद पुराने चाइना की मेंबरशिप नए चाइना को दी गई। ठीक है, बड़ी इसके ऊपर पढ़े होते। अच्छा, इसके बाद अगर हम कोई भी चीज़ अभी पढ़ेंगे ना, तो वो मैं कंप्लीट नहीं कर सकूंगा। मतलब अगर एक पॉइंट भी वो शुरू करता हूँ ना, तो वो कंप्लीट नहीं कर सकूंगा। सो आई वॉन्ट डू इट। यू गाइज हैव लाइक 3 मिनट्स लेफ्ट। आई नीड, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर टुडे, प्लीज टेल मी। सिंस इट वॉज योर फर्स्ट लेक्चर, आई नीड योर फीडबैक, सो आई कैन यू नो अगले लेक्चर को मैंने कैसे डिज़ाइन करना है वो मैं कर सकूँ। आपको मुश्किल लगा हो, बोरिंग लगा हो, या मेरी स्पीच स्लो तेज कुछ लगी हो, एनी थिंग, ठीक है, बी वेरी ओपन अबाउट इट। वोटिंग होती है सदरा। ओके, चले इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि विल कंप्लीट दिस यूनाइटेड नेशंस एंड विल देन पुट आवर नॉलेज इनटू एप्लीकेशन, कि हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नॉलेज को। ठीक है, आज की चीज़ों में अफगानिस्तान की इन्वेजन लीगल थी, इलीगल थी, इराक के अंदर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ये सारी चीज़ें, कश्मीर का मसला क्यों नहीं हल होता, कश्मीर जैसे मसले क्यों हल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी है। ठीक है, तो देन विल स्टडी ईयू पढ़ेंगे उसके बाद। मैं स्लाइड्स अभी नहीं भेजूंगा, स्लाइड्स में भेजूंगा जब ये अगली क्लास में लेक्चर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यू गाइस हैव माय ईमेल एड्रेस राइट? आप सबने नोट कर लिया था? ओके, मेरा ईमेल एड्रेस आप सबके पास आ गया होगा। यू कैन ऑलवेज ईमेल मी एंड आस्क मी एनी स्टफ यू वांट टू। ठीक है, मैं ऑलवेज हियर। और प्लीज कोई बंदा मुझे ये ना कहे कि हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसका पार्ट बन जाए। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। ओके, मैंने मेरा ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया, थैंक यू सो मच। एंड जो मैंने बातें आपको बताई हैं, आई होप आप उनके ऊपर अमल करेंगे, अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा चेंज करें। ठीक है, ये मोबाइल वाली जो बीमारी है इसको उठा कर बैठ करेंगे, ट्रस्ट मी यू विल सी मिरेकल्स इन योर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।